तो वेलकम है लवप्रीत आपका आज बॉस क्लासिक के ऑफिस में और कोच हैरी हमारे साथ हैं। मैं कोच हैरी की तरफ से और अपनी तरफ से आपका वेलकम करता हूं और हमारे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। आई एम श्योर बहुत कम आपके इंटरव्यूज हैं इस तरीके के। मैं आज इसको इंटरव्यू नहीं कॉन्वर्सेशन बोलना चाहूंगा और थैंक्स है हैरी पाजी आपका। माई प्लेजर एंड आई थिंक ये मैं और लवप्रीत इकट्ठे पहली बार ही बैठे हैं तो बाकी तो लवप्रीत भी काफी इंटरव्यूज कर चुका है वन-ऑन-वन, मैं भी काफी वन-ऑन-वन कर चुका हूँ लेकिन ये मैं पहली बार ही बैठा हूँ। मुझे आते आए कई बंदों के आए थे मुझे रिक्वेस्ट और भी जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, क्योंकि मैं कहा यार जब मैं कहा लवप्रीत की लो ना मेरी इंटरव्यू भी लेनी है ठीक है ना, तो मैं कहा यहाँ तो मैं साथ बैठा हूँ, मैं कहा फिर साथ भी हूँ, मैं कहा सिर्फ बात भी हमने हाँ बोली किसी हमने हाँ बोली बाकी वो बाकी जर्नलिस्ट जो है वो पंजाब की तरफ थोड़ा कम देखते हैं ना साथ में रहे आप मुझे लास्ट ईयर 2021 मुंबई अभी आप मुझे मिले थे फर्स्ट टाइम हमारी तब मुलाकात हुई थी। ऑलमोस्ट मैं आपको 2 साल से चेज कर रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए और हैरी भाजी से भी बड़े मुश्किल से टाइम मिला था मेरे को, बहुत बिजी रहते हैं हैरी भाजी के हमारे भाजी, मैं इंटरव्यू देते नहीं थी ऑनेस्टली मगर टाइम ही नहीं है, टाइम इज मनी यस एब्सोल्युटली। तो लवप्रीत सबसे पहले तो बात करते हैं ब्रो के एक तो ये बड़ा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपने सिर्फ अकेला एक प्रो कार्ड जीता है, अकेला प्रो कार्ड नहीं जीता है आपने ओवरऑल टाइटल भी विन किया, मतलब आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने हो जी सर। सो इस चीज को आज बिल्कुल कंफर्म और पक्का कर दो अपने मुंह से बोल करके। बिल्कुल ही अपने मुंह से बोलेंगे और हमने ये कोई चीज किसी से लेके तो नहीं, ये प्रूव किया है हमने कि हम पहले गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी में, यस देयर वर मोर देन 60 कंटेस्टेंट इन माय कैटेगरी में, बिल्कुल ठीक है डी में डी ग्रुप में, उसके बाद प्रो कार्ड, उसके बाद ओवरऑल विन और उसके बाद प्रो शो में सेवंथ रैंक, सेवंथ अमंग 18 प्रोज, बहुत बड़ी बात है। पुराने नए प्रोज मिला के 18 प्रोज में से मैंने पहला ही अपना प्रो शो किया, प्रो डेब्यू में मेरा सेवंथ रैंक है ठीक है। तो ओवरऑल मैं सिर्फ प्रो कार्ड थी फर्स्ट, ये बात बोली जाए कि एक ही सिंगल प्रेप में आपने 3 कॉम्पिटिशन खेल लिए एक ही बार में एक ही दिन के अंदर, तो वो तो कोई गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल क्यों कोच साहब आप क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं पाजी मतलब कि जो हमारी ऑडियंस हर लेवल की है, कई बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कुछ मीडियम लेवल पे, कुछ जो बहुत नॉलेज रखते हैं जी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने को, मुझे मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के कुछ समझ नहीं पाते कि सर कैसे ये चीजें स्ट्रक्चर होती हैं ठीक है। तो पहले तो एमेच्योर शो खेला उसमें अपनी क्लास जीते, क्लास जीते का मतलब कि आप लगा लो हिसाब के 5-6 क्लासेस होती हैं ए बी सी डी ई करके ऐसे, तो वो हाइट के हिसाब से होती है ठीक है, और हर कैटेगरी में 50 से लेके 80 तक 40 से लेके 70-80 तक एथलीट्स होते हैं ठीक है। तो पहले तो लवप्रीत ने अपनी ये क्लास डी में खेली, तो पहले तो अपनी क्लास जीती, वो एक एक तरह से वो एक कंपटीशन अपने ही कंपटीशन जितना हो गया ठीक है, वो जीते yeah। इसको अगर हम बॉडी बिल्डिंग का एनालॉजी लेकर चलते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग में अपनी क्लास अपने जीती, वेट क्लास जीती, फिर अपने ओवरऑल टाइटल खेलते, जैसे 60, 70, 80, 90, 100 वाले yeah। सारे ओवरऑल विनर्स फिर ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियंस के लिए खेलते हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें जो प्रो कार्ड थे, कितने प्रो कार्ड दिए थे इस बार हमने, इन्होंने 3 तो वो जो 3 बेस्ट थे वो उसके बाद उनमें से एक को चूज करता था जो उन चैंपियन ऑफ चैंपियंस है, तो उसमें भी ठीक है प्रो कार्ड जीत, हम प्रो कार्ड जीतना ही एक बहुत बड़ी चीज है बिल्कुल, लेकिन प्रो कार्ड बनना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिल्कुल। मैं मानता हूं प्रो कार्ड को छोड़ दीजिए, मैं प्रो कार्ड तो चलो है, मैं ये कहता हूं कि कोई भी कंपटीशन जिसमें आपके कंपेरेटर स्टाफ हैं, देखिए अब जैसे मतलब के आईबीबीएफ के कंपटीशन ले, आईबीबीएफ के बहुत टॉप क्लास एथलीट्स हैं, जैसे मतलब के प्राइवेट कंपटीशंस में भी, जैसे बिग फिट था भी या बॉस क्लासिक आते हैं, उनमें भी बहुत टॉप के कंपेरेटर आते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी टफ कॉम्पिटिशन में ओवरऑल जीतना, अपनी क्लास जीतना वो बहुत बड़ी चीज है एब्सोल्युटली। तो नेचुरली फिर ये तो आईएफबीबी के जो शोज हैं इनमें तो स्पेशली जो मेंस फिजिक की कैटेगरी है और जो विमेन्स बिकिनी है, ये दो कैटेगरीज में स्पेशली जो आईएफबीबी के शोज है इंडिया में, ये सबसे टफ कंपेरेटर्स आते हैं। बॉडी बिल्डिंग हाल इतनी नहीं पकड़ पाई है आईएफबीबी इंडिया में, बट आई स्टार्ट द टाइम लेगा, बट मेंस फिजिक
तो हर बंदे का गोल है मुझे आईपीवी का प्रो जीतना। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए, खाली मतलब के 50-60 या 300-400 एथलीट्स को नहीं जीता है प्रो ओवरऑल, आप ये मत लीजिए हजारों एथलीट्स को हरा के आप एक ओवरऑल बने हो, और दूसरे भी जो दो प्रोज जिनको बीट करके इसने वो बोले वो भी मतलब के अनाड़ी प्लेयर नहीं है, बहुत सीजन एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड फिर उसके बाद आपने स्टेज पे चढ़ के प्रो शो में पहले में सेवेंथ आना, एंड आई थिंक इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग। मेरा वही कहने का मतलब था कि प्रेप आपने एक ही एक ही दिन के अंदर आपने तीन चैंपियनशिप्स कर लिए। यहां पे ये भी चीज ऐड करना चाहता हूं मैं कि अभी जो मेंस फिजिक का लेवल है ना कंपटीशन का बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया में प्रो कार्ड जीतना बहुत मुश्किल है, मेंस फिजिक में बहुत मुश्किल है। आज से आप 2 साल पहले ले लो, 3 साल पहले ले लो, एक लाइनअप में कितने लड़के आते थे, 17-20 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30, उसमें से आपको पहले गोल्ड मेडल निकालना था वो इजी हो जाता था। आज की डेट में पाजी आप जितने भी अगर 70 कॉम्पिटिटर्स है ना लाइनअप में, तो वो 70 के 70 ही गोल्ड वाले है। एंड स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो गया, ना के नंबर बढ़ा, स्टैंडर्ड भी सुपर बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो गया। चलो लवप्रीत, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी प्रैप की है कि आज रिजल्ट हम सब लोगों के आगे है, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। सो जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे माइंड में है, खासतौर पर बीइंग अ मीडिया, मैं बहुत सारी चैंपियनशिप्स को कवर करता हूँ और बहुत सारी फेडरेशन के लोगों से मिलता हूँ, एथलीट से मिलता हूँ, उनके इंटरव्यूज लेता हूँ। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली मेरे को पिछले एक साल से सुनने को मिल रही थी वो ये थी कि एक्चुअली में लवप्रीत के कोच हैं कौन। और जब प्रो कार्ड सामने आया है तो कुछ इमेजेस सामने आनी शुरू हुई हैं जिसमें आप और हैरी पाजी करके खड़े हुए हैं। इसमें ये चैटर कब शुरू हुई थी, जब थाईलैंड शो कुछ साल हो गया, नहीं अब 6 महीने हुए, 6 महीने हुए मार्च, मतलब मार्च से मैं मुंबई में मिला हूँ तब से लेकर के ये क्वेश्चन 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने पहले तो क्लियर है। एनीवे मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि जो आपने ये अपनी प्रैप की है जिसमें कि आपने प्रो कार्ड को विन कर लिया, ये किन के अंडर रह के किया? बिल्कुल 100% क्योंकि कुछ नाम मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो ये आपने क्लेरिफाई किया। जो भी नाम है मैं सारे नाम ले ही दूंगा आज। अच्छा, तो सब सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ये वाकई में आज हमें मौका मिला है, मैं भी हरी भाई के साथ आज पहली बार बैठा हूँ और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है जी, किसी फिटनेस यूट्यूबर पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। वैसे मैंने प्रेस में बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, लेकिन इस इंटरव्यू का वाकई में मुझे इंतजार था, इस क्वेश्चन का आंसर करने का भी इंतजार था। तो मैं ये प्रेप और पिछले 5 साल से हरी भाजी के अंडर हूँ, ठीक है, और उन्हीं के अंडर ये प्रेप हुई, उनकी सुपरविजन के अंडर ये प्रेप हुई। हमने जो भी उन्होंने जैसे भी गाइड किया हमने, बहुत एक हमारा वो आगे जाके बताऊंगा कि हमने क्या डिफरेंट किया इस प्रेप में, लेकिन इस प्रेप में 100% हरी भाजी का ही क्रेडिट है और उन्होंने ही ये प्रेप करवाई है मेरी। ठीक है, इससे पहले जब मार्च का शो हुआ था, क्रिटिसिज्म पाजी बहुत ही खतरनाक चीज होती है। बंदा ना कई बार स्पेशली यंग एज में, हम यंग हैं अभी, वो चीजें कई बार ले नहीं पाता उस तरीके का। तो मुझे इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल चुका था मार्च के शो के बाद कि 2 शो में लगातार बैक टू बैक, मतलब एक हफ्ते पहले मैं, एक वीक पहले मैं इतनी अच्छी कंडीशनिंग में पोस्ट कर रहा हूँ रेगुलर अपने इंस्टाग्राम पे और इतना अच्छा दिख रहा हूँ और स्टेज पे मैं दिख नहीं रहा हूँ ऐसा। तो मुझे भी एक बैकएंड पे आया, मैं कहा कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट कुछ अलग करें, करना चाहिए और शायद मुझे जरूरत है करनी। आते फिर मैंने अतिंदर पाजी उनको मैंने अप्रोच किया। Now, यहां पर मैं आपकी बात कट करना चाहूंगा। When you are saying कि पिछले 5 साल से हरी पाजी आपके कोच हैं और वो हैं, तो फिर आपको दूसरे कोच की बीच में क्यों जरूरत पड़ा? ये मैंने बताया आपको, क्रिटिसिज्म दिमाग बड़े बड़ों का खराब कर देता है। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, कई बार आपको एक ही चीज पोक करी जाए कि हाँ ये करो करो, पाजी एक नहीं बहुत सारे कॉमेंट्स यही चीजें की, क्योंकि हम वैसे ही प्रेप कर रहे थे, वही इंटेंसिटी थी हमारी हर चीजों की, लेकिन क्यों फिट क्यों नहीं बैठ रही थी वो चीजें, किसी चीज की कमी होगी डेफिनेटली, और यहाँ हमारा सबसे पहले टाइम नहीं होगा। तो मैंने अतिंदर भाई से अप्रोच किया, अतिंदर भाई के साथ मैंने पीसीटी की, मैंने वो होस्ट भी डाली, उन्होंने मैं पीसीटी में हेल्प की, मतलब उन्होंने सिर्फ पीसीटी करवाई, उन्होंने मेरी पीसीटी में हेल्प की और मैं पीसीटी की उनके साथ मैंने। आफ्टर दैट मैं, मेरा हरी भाई ये था कि अभी थोड़ा मैं भी फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था और मैं डिसअपॉइंटेड भी था कि बात क्यों नहीं बन रही।
तो हमारा थोड़ी देर के लिए जो कम्युनिकेशन मेरा हरी भाई के साथ वैसा नहीं रहा अच्छा नहीं बेटा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपने आप को वो कर रहा था सेटल डाउन कि हाँ कि भाजी 2 साल से लगातार इसी चीज के पीछे आप, वैसे तो 2018 से हम लगे हुए हैं। फिर बाद में बिकी पाजी मेरी इन बिटवीन इकबाल के साथ भी बात हुई, इकबाल सैयद हाँ इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और मनोज रंगापानी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे वो भी, और विक्की भाजी के साथ भी बात हुई। विक्की भाजी के साथ मैंने स्टार्ट भी किया, अच्छा विक्की भाजी के साथ मैंने स्टार्ट भी किया, विक्की भाजी के साथ, विक्की भाजी ने मुझे यहाँ आए इंडिया, उन्होंने 1-2 वर्कआउट सेशन लगवाए, और उन्होंने भाजी ये आपको भी नहीं बताई ये चीज, ये मैं बताता हूँ आपको, आज राज खुल रहे हैं, इंटरेस्टिंग हमारा ओपन चल रहा है, आज राज खुल रहे हैं, देख लो भाई हमारा ये चीज बताने वाली है। हाँ मैं बताता हूँ आपको क्या कैसा क्या हुआ क्या, मैं दोबारा हरी भाई के साथ के पास आया कब, यही तो जानना है। हाँ मुझे भी और सारी दुनिया को भी, ये हुआ क्या, ये जादू मैजिक हुआ कैसे, वो कहते हैं मत, ऐसा हमारे पंजाबी कहते हैं मच्छी पत्थर चट के वापस आउंदी है, राइट, पत्थर चट ले सके तो वापस आने का टाइम आ गया जी। हाँ पाजी गल बात ऐसे है, सॉरी पंजाबी निकल जाती है, बोलती है बिंदास पंजाबी बोलनी है, बात ऐसे है कि जैसे विक्की भाई ने मुझे स्टार्ट करवाया, ठीक है, मेरे इस इंडस्ट्री में जो सबसे क्लोज मेरा, चलो हैरी पाजी का लेवल डिफरेंट है, मैं तो मेरे बहुत क्लोज है ऑब्वियसली, विक्की पाजी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मैं उनके पास मैंने, मैं भी बहुत ज़्यादा पंजाबी अक्या पिया से मेरा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या, अच्छा कि मेरा मेरी बंद क्यों नहीं थी बात। नहीं। मैं विक्की पाजी के साथ मैंने बात की, विक्की पाजी ने भी वो ही सेम चीज़ विक्की पाजी ने बोली कि यू नीड एन ऑफ सीजन, ऑफ सीजन तो नहीं चाहिए, मैंने मुझे पता था मुझे किस चीज़ पे काम करना, मैं जानता था उस चीज़ को, और मैं क्या चलो मैं क्या भाजी स्टार्ट करते हैं, तो मेरी स्टार्ट प्रेप जून से हुई विक्की भाजी के साथ, फिर विक्की भाजी ने मुझे बताया कि विक्की भाजी ने मुझे डाइट दी, डाइट भेजी, वो मैंने डाइट फॉलो की, अच्छा उन्होंने मुझे सिर्फ डाइट भेजी, अच्छा और कुछ अपनी तरफ से थोड़े सप्लीमेंट्स भेजे उन्होंने कि ये यूज करने हैं, उन्होंने भेजे या आपने खुद से शुरू कर दिया, उसके बाद में मैंने उसमें 1+1=11 किया। फिर मैं 4th गियर में आया और मैंने अपनी तरफ से जो एडिशनल एड ऑन करना था मैंने खुद से कर लिया, अच्छा और मैंने अपनी तरफ से प्रेप शुरू कर दी बिना किसी कोच को बताए, ओके ना विक्की भाजी को बताया ना हरी भाजी को बताया, तो विक्की भाजी मेरे से चेक इन मांग रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस है बताया, मैंने भाजी भेज देता हूँ अभी रेगुलर नहीं है, हालांकि मैं बहुत रेगुलर था, मैं कंसिस्टेंट था पिछले 2 सालों से अभी तक, तो मैं ऑफ नहीं गया कभी भी, मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड ऑन करनी शुरू की, सप्लीमेंटेशन ये वो सारी चीजें, और उसके बाद फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, यहाँ पे क्रिटिसिज्म मुझे फिर मिल रहा था और मुझे 2-3 चीजें जो थी वो प्रूव करनी थी कुछ लोगों को, अच्छा मोस्टली मेरे क्रिटिक्स को, सबसे पहला मुझे सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म मुझे कोचिंग से मिला कि कोचिंग को लेके, हाँ कि चेंज योर कोच, अच्छा ठीक है, कोई मतलब कोई मेरी फीस तो नहीं पे कर रहा है हरी भाई को या किसी मेरे कोच को, सीधे आके बोल रहे चेंज योर कोच, अच्छा या तो मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है भी मैं तुझे फलाने कोच से कोचिंग लेके दे रहा हूँ तो ये ले। उसके बाद दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म मेरे साइज को लेके कि यू नीड टू एड सम मास इन योर चेस्ट योर शोल्डर्स। तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरी पोजिंग को लेके, अच्छा फिर तुम्हारी पोजिंग नहीं अच्छी है, तुम तुझे पोज नहीं करना आता तुम्हें। तो पाजी ये चीज ना मेरी ना शुरू से मेरा स्वभाव बचपन से ऐसा है मेरा नेचर कि मैं ना जिद्दी हूँ, थोड़ा सा नहीं मैं बहुत जिद्दी हूँ, जिस एक चीज की मैंने जिद पकड़ ली है वो अगर मेरी नहीं हो रही ना तो मैं तब तक उस चीज को करता हूँ जब तक वो मेरी नहीं हो रही। अच्छा ओके, ये मेरी बचपन से आदत है। अच्छी बात है, आप परसिस्टेंट है उतने ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, ठीक है। तो सब मेरे दिमाग में ये चीजें हैं कि अगर मुझे इन सब लोगों को ये चीजें रॉन्ग प्रूव करनी है तो मुझे वो सारी चीजें एज इट इज चाहिए जैसे पहले चल रही। अच्छा मोस्टली ये जो आप क्रिटिसिज्म का नाम ले रहे हैं ये इंडिया के किस पार्ट से और किस तरीके के सेगमेंट के लोग थे जो आपको क्रिटिसाइज करते थे, मतलब वो डीएम करते थे, कॉल करते थे, चिढ़ाते थे, क्या करते थे वो, मतलब होता क्या है इसमें, एक प्रो के नजरिए से बताओ क्या होता है, मतलब कैसे करते क्या साइकी पे क्या इसका असर होता है, मैं वो बताता हूँ। हाँ जी जी, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब एक एथलीट देखो इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, ठीक है ठीक है, कुछ गलतियां होगी, कुछ नहीं हुई, जो भी उसका रिजल्ट आया उसके बाद आप उसको
आपने ना उसको एक रुपया भेजा है कि ये लो भाजी आपका ये मंथली स्टैक आ जाएगा, ये मंथली सप्लीमेंट्स आ जाएंगे या आपकी कोचिंग फीस, ना उन्होंने कभी आपको कुछ पूछा है पहले कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं, और वो एकदम बाद में आएंगे और कहेंगे कि बस नहीं हो पाएगा तेरे से, बस कर फिनिश, योर टाइम इज ओवर, ये सारी चीजें। और कुछ लोग तो ऐसे थे को वो मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, मेरे अपनों को बोलते थे। अच्छा, वहां से बात फोन के आती थी, वहां से मेरे, क्योंकि मैं पंजाबी बंदे हैं, सीधे सीधे मुंह पे आके गल कर ली थी, हां भाई क्या प्रॉब्लम है तुम हमें बता दे। तो पाजी वो सारी चीजों का था, इसीलिए मैंने कोच चेंज करने की कोशिश की। अच्छा। और बाद में पाजी मुझे वही चीजें चाहिए थी, अगर मुझे ये लोगों को प्रूव करना था कि मैं हैरी पाजी के साथ रह के जो हम पहले से कर रहे थे वो चीजें सही थी, जस्ट हमें टाइम की वेट करनी थी कि टाइम कब आएगा हमारा। मतलब ये आपको बाद में रियलाइज हुआ कि हैरी पाजी जो बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक था? पाजी मुझे ये पहले दिन से रियलाइज था, ये मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करता कि हैरी पाजी ने कभी मुझे गलत गाइड किया, सही गाइड किया उन्होंने। उस चीज को लेके मुझे ये था कि अगर मुझे इन लोगों को गलत प्रूव कर रहा है ना, मैं अब वही शोल्डर, वही मेरे चेस्ट, वही मेरी पोजिंग, वही कोच इनका इंप्रूव्ड वर्जन लेके आऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। 6 महीनों में भाई क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होता 6 महीनों में। और मैंने तो प्रेप ही, चलो ठीक है, तो इसलिए मैंने हरी भाजी को दोबारा अप्रोच किया। मैं कहा भाजी मतलब ये सप्लीमेंट जो है लॉयल्टी का सप्लीमेंट आपने शायद ज्यादा यूज कर लिया अभी भाई, ये लॉयल्टी वफादारी है स्कूल में। इसमें मैं कोई चीज और ऐड करता हूं, पता है क्या होता है कि चेंज व्हेन इज चेंजेस रिक्वायर्ड, चेंज रिक्वायर्ड तब होती है मेरे हिसाब से, लाइफ लेसन भी ले सकते हैं कि जब हमने सारी चीजें कर ली हो ना एंड सारी चीजें परफेक्टली जी एंड इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, देन चेंज यू शुड लुक फॉर अ चेंज, ठीक है। लेकिन जो हमारी जितनी भी हमने प्रेप्स की है ना, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने वो हर चीज 100% की है, इन द सेंस कि कभी हमने पूरा टाइम नहीं दिया, कभी हमने थोड़ी कम्युनिकेशन नहीं की, कभी हमने जो हम डाइट चेंज कर सकते थे या कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई की तो नहीं कर सकते। तो हमारे मन में ये भी था कि इसमें इस प्रेप में बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी, एंड वो सारी चीजें डिफरेंट कहाँ से थी, कम्युनिकेशन, ठीक है, हमने इस प्रेप में इतनी कम्युनिकेशन की जितनी हमने 5 साल में नहीं की। अच्छा, ठीक है। तो जब इतनी उतनी की हम बात करके नहीं यार, ये सी मैं जो यंग कोचेज हैं उनके लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि कोचिंग 2 टाइप से होती है। एक होती है, शायद कभी किसी ने ये चीज नहीं कवर की होगी आज तक, मुझे लगता है किसी ने भी इंडिया में किसी भी कोच ने कवर की होगी, इंटरनेशनली भी नहीं, कि देयर इज 2 काइंड्स ऑफ कोचिंग, वन इज इंस्ट्रक्टिव एंड वन इज कंसल्टेटिव, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब कि जब जैसे हमारे पास कोई नया एथलीट आता है, यंग एथलीट आता है, ठीक है, जिसने कॉम्पिटिशन 1-2 खेले, जिसको पता ही कुछ नहीं है, मुझे उसको हर चीज में गाइड करना है, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब मेरे पास कोई सीनियर एथलीट आता है, मेरे पास बहुत सीनियर से सीनियर एथलीट भी मेरे पास कोचिंग ले चुके हैं, उनको हमने इम्प्रूव भी करवाया है। जब जैसे अब एक एथलीट की एक स्टेज आती है कि यू बिकम अ सीनियर एथलीट, एंड जहाँ पे कर्व चेंज हो जाता है कि जहाँ पे आपको अपनी बॉडी के बारे में इतना पता होता है कि जितना किसी और को भी नहीं पता है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो लवप्रीत के जैसे लवप्रीत है या और जैसे जया प्रकाश है और सीनियर थी, तो उनके साथ मैं कोचिंग करता हूं कंसल्टेटिव, इट्स नहीं कि यार तू ये कर दे, तू ये कर दे, ये कर दे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक यार कि लवप्रीत यार की चल रहा है पर सर इतना कर रहा है, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, क्या कह रहे हो, मुझे पाजी सर मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ यार ठीक है ऐसे कर लेते हैं। सो इट्स के वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो वी कुड चेंज एंड इम्प्रूव, एंड उन पे हमने फोकस किया। फिर व्हेन यू टॉक दैट मच तो देन एवरीथिंग चेंजेस, देयर इज रूम फॉर एवरीथिंग। हमने डाइट की डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई की, हमने सप्लीमेंट्स की डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई की, हमने जो एक पेस थी प्रेप की वो हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई की, फिर हमने कार्डियो की हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, फिर हमारी लोडिंग की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। Everything in this prep was different, but it all started from. Sorry, interrupt कर रहा हूँ। और ये prep हमारी पाजी सबसे easiest prep ever, smoothest. अच्छा। और इसमें हमने सबसे कम cardio किया है, और हमारे calves अच्छे खासे चलते रहे। कभी भी अच्छे खासे calves चलते। बहुत different prep थी, और इस चीज से वाकई में lesson लेना चाहिए। मैं भी अभी इस चीज को ना बार बार अपने Instagram पे भी मैं बोलता होता हूँ कि I have फ्रेश नॉलेज, अगर किसी को कुछ सीखना है तो आओ बताते हैं आपको कि कैसे काम करते हैं क्लाइंट एंड कोच,
ठीक है, ये कोच की जिम्मेवारी नहीं है सर, ये क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बनती है। मैं अपने कोच को चेक इन भेज रहा हूँ, वेट और पिक्चर्स जी, वो कहीं पे बैठे हैं, वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक कर रहे हैं आपकी, ठीक है, कर रहे हैं कि कैसी प्रोग्रेस है, वेट से देख रहे हैं आपको, लेकिन उनको ये कौन बताएगा कि आपकी स्लीप कैसी थी, आपका स्ट्रेस कैसा था, आपने कुछ चीजें, आपका जैसे मेरे में डाइजेशन का इश्यू रहता था, तो डाइजेस्ट कौन सी चीजें आपको फूड की अब्सॉर्प्शन किन चीजों की बेटर है, ये एथलीट की भी जिम्मेवारी बनती है, माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल yes, yes. और इतना टाइम ना कोई कोच भी नहीं देता अपने क्लाइंट को, और अगर आप इतना वो ही देगा, या तो आपका कोच वैसे एक्सीलेंट हो, अदरवाइज दूसरे नंबर पे आप बहुत अच्छा गुड अमाउंट मनी पे कर रहे हो अपने कोच को, तभी वो भी देगा। इतने बिजनेस चल रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, अगर कोचिंग की बात करें तो बहुत कम पाजी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाजी, वेरी लिमिटेड, बहुत 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 कम क्लाइंट है जिनके साथ हरी पाजी काम करते हैं। अच्छा, ओके, बहुत ही सिलेक्टेड क्लाइंट्स, और उनमें से एक मैं था, और अगर वो मुझे इतना कुछ दे रहे हैं तो मुझे कुछ तो निकाल के उनको देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, उनका पीस ऑफ केक भी उनको देना चाहिए, बनता है। तो मैं इस चीज का क्रेडिट, मैं पिछले 5 साल से मुझे हरी पाजी ने आज 2018 से हमने प्रैप शुरू की थी, 2018 में मेरा पहला एमेच्योर था और मेरी ये फिफ्थ जो प्रो क्वालिफायर मेरा शो था, तो इसमें हमें मिला, ये कोई एक साल की मेहनत नहीं है या एक प्रैप की नहीं है, ये फाइव प्रैप्स। चलो, ये तो आपने बताया कि हैरी पाजी जो थे उन्होंने किस तरीके से आपको प्रेप करवा करके ये प्रो कार्ड की विनिंग करवाई है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है आपकी इन्हीं बातों से कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, समझा रहे थे, पोक कर रहे थे, व्हाटएवर, बट बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम था कि यार मेरे को हैरी पाजी ने बिल्कुल सही चीजें बोली हुई थी और एक ना एक दिन मेरे को उनके पास जाना जरूर है। जिस दिन आपने इनके पास में अपनी रिटर्न कर ली से ले करके इवेंट तक, यानी कि चैंपियनशिप के दिन तक, आप दोनों ने कैसा ऐसे बैलेंस या जादू करके रखा कि सारी चीजें आपने अंडर द रैप्स रखी, ये कैसे, क्योंकि लोग संभाल नहीं पाते। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर भी था क्योंकि कंटिन्यूसली, पहले तो मैंने ये चीज सोची थी कि मैं इस चीज को ऑन एयर नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना, किसी को नहीं करूंगा, और सीधा शो पे आऊंगा, खेलूंगा, और हुआ तो वही है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब कंप्लीटली ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने शो से 1 महीने पहले अपडेट देनी बंद कर दी थी, लेकिन पता मैंने बता दिया था कि मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी यहाँ पे मैं जुनैद भाई का नाम लूंगा, और उन्होंने और मेरा बहुत अच्छा दोस्त जीजो जॉन, उसने मुझे ये चीजों के बारे में थोड़ा कहा कि अगर कर रहा है ना तो दिखा, ठीक है, हमें कोई और टेलीकास्ट नहीं करने वाला, हमने खुद को ही अपने आप ही आगे लाके लोगों को दिखाना है, और लोग देखना चाहते हैं अगर उनको दिखाओ, ठीक है जी। तो पाजी बहुत प्रेशर था, मुझे हर रोज मैसेजेस आते थे कमेंट्स बॉक्स में भी, हु इज योर कोच, सो यू फाइनली मेड अ डिसीजन, यू चेंज योर कोच, बहुत ऐसे कि मैं लोगों को था कि मैं तिंदर भाई से तैयारी कर रहा हूँ, या बिक्की भाई के साथ कर रहा हूँ, या किसी के साथ कर रहा हूँ, और हैरी भाजी का नहीं किसी को आइडिया था। yes. तो इस बार बहुत सारी चीजें हमने ऐसे अंडर द टेबल ही रखी, ठीक है, वैसे हमने काम किया कि कोई बात नहीं, मैं हैरी भाजी ने भी कहीं पे भी मुझे नहीं ना अटैक किया, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस हो रही थी ना भाजी, कोई और कोच होता या अगर हम पहले वाले होते ना, मैं ही होता तो मैं वो डालता कि हाँ इतने टाइम में एक ही हफ्ते भाजी, एवरी वीक वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं मेरी फिजिक में इस बार, ऐसे चेंज आए कि वो चेंजेस को देख के भुवन ने मुझे फॉलो कर लिया, क्या बात है, थोड़े टाइम पहले, और भुवन ने ये प्रो स्टेज पे मुझे बैक स्टेज पे प्रो शो में बोला कि कहता ब्रो आई न्यू दैट कि तू जीतने वाला है, इसीलिए कहता मैंने तुझे फॉलो कर लिया। सुपर। हाँ, तो इस बार जो हमारा माइंड सेट था ना, वो सारी चीजें पाजी, जितना हम ना ये एनर्जीज होती हैं हमारे दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन था, जो जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, जिस लेवल का सब प्रेपरेशन चल रही थी, अगर वो भाजी कहते हैं ना वो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ तो ये चीजें अगर बाहर आती ना तो नजर टाइप सी लग जाती। यस, मैं बोलने ही वाला था इस बात को, तो मैं उसको ऐसे रखना चाहता था। हाँ। और मुझे भी हुआ, मैं बीच में बहुत मन करा, मैं कहा यार लिख दूं, मगर नहीं, क्योंकि मुझे 1% भी इस बार ये नहीं था कि मैं हारूंगा,
क्योंकि मुझे हारने या जीतने के लिए इस बार मैं कम्पीट किया ही नहीं मैंने। अच्छा, मेरा सिर्फ बेस्ट नहीं आ रहा था भाजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट वन साइडेड लेके जाना था। क्या बात है, वन साइडेड, ठीक है, तो वो मुझे लेके जाना था। लेकिन मुझे ये था कि भगवान ना करे कोई ऊपर नीचे कोई चीज होगी और अगर वो नहीं हिट हुई चीज और फिर हरिबाजी पे बात आ जाए कि तूने फिर वही गलती की। हरिबाजी आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? मतलब आज तो देखो प्रो कार्ड भी आ गया, सब कुछ हो गया, आपने इतनी सुपर मेहनत भी करवाई है, अपनी तरह से नए नए एफर्ट, नए नए फॉर्मूलाज लगाए होंगे, आपको इस चीज को प्रमोट ना करना उस टाइम पर, जहां तक मैं आपको जानता हूँ या हम लोग जानते हैं, यू योर सेल्फ इज अ वेरी गुड प्रमोटर ऑफ योर थिंग्स। आई मीन आप कोई नई चीज करते हो, कोई अच्छी चीज करते हो, उसको दिखाते हो दुनिया को, बट दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि आपने भी इस चीज को अंडर द रैप रखा, इसके पीछे क्या आपकी भी सेम साइकी थी? देखिए पाजी, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो एज अ कोच मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं किसी एथलीट के साथ काम करता हूँ, किसी भी आप कोच से पूछोगे ना, आप ओलंपिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई बड़ा प्लेयर, इट इज़ नॉट अबाउट द कोच एट ऑल, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट द जजेस, इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोमोटर्स, इट इज़ नॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजर्स, ये हमेशा एक एथलीट का होता है, ठीक है, वी आर टीम लवप्रीत, ठीक है, इट्स नॉट टीम, मैं तो क्लैप करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर, ये बहुत बड़ी आपने बात बोली है, किसी कोच ने आज तक ये बात नहीं बोली है, कोच तो इस बात पर बुरा मान जाते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे को टैग क्यों नहीं किया, यू आर सेइंग राइट ऑपोजिट पाजी, सैल्यूट है आपको। एंड यहां पे एंड दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज इसमें और चीज भी है, टीम लवप्रीत इज नॉट जस्ट लवप्रीत एंड हैरी सिंधु, टीम लवप्रीत इज, सी मैं तो दादा पाजी गल की है, बड़ी सिंपल जी गल है, हम जिदा ना एक तुसी एक टायर होता है ना, टायर जी, उसमें ना एक इतना छोटा नहीं, एक वाल्व होता है, वो चाहे होता छोटा है लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन और भी इतना बड़ा पहिया है। अब जैसे किसी भी एथलीट के अंदर ना, मतलब कि हम सुनते हैं ये प्रेप में जितनी मेरा हाथ है उससे बहुत गुना ज्यादा काम होता है कि एथलीट को मेंटली फोकस रखना, उसको कराना जी, और वो ये प्रेप कभी भी इस लेवल की नहीं होती, कोई भी नहीं होती अगर इसके साथ अर्शदीप नहीं होता, ठीक है, जो उसका राइट हैंड मैन है, वो भी मैं अभी पूछने वाला हूं आपसे, या एंड जो गगन है जिसके बारे में आप भी नहीं जानते हो, कम लोग जानते हैं, हालांकि लवप्रीत ने टैग भी किया, थैंक भी किया है, जो हमारे साथ स्टेप ही खड़ा था लड़का, जिसकी ट्रेनिंग लगी हुई इसकी, सो इट इज नॉट लवप्रीत विन, इट इज डेफिनेटली नॉट माय विन, मेरी बिल्कुल जीत नहीं है ये मेरा कंट्रीब्यूशन जरूर है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं, आपका पॉलिटिशियन भी नहीं है, ठीक है था, बट इट विल बी वेरी नाइव एंड वेरी एरोगेंट एंड ऑलमोस्ट सेल्फिश ऑफ मी टू से कि जी मतलब कि मेरी वजह से जितना मेरा रोल है उतना ही अर्शदीप का रोल है, उससे ज्यादा ही होगा, उतना गविंद का रोल है, लवप्रीत का तो काम एंड में है, राइट, लवप्रीत एज एन एथलीट द इजिएस्ट थिंग फॉर द एथलीट, पता क्या है, उसने करना है, आपको उसने सोचना, आपने करना है, सारा प्रेशर तो बाकी बंदों पे है ना, यार जो बंदा ट्रेनिंग लगवा रहा है कि इंजन ना करवा दूं, कितना कुछ करना है, यार एक रैप एक्स्ट्रा लगी साला मसल टियर हो जाएगा, वो बंदा जो रात को बैठे उसको समझा रहा कोई नहीं मेरे कुछ नहीं होता, यार तू कर यार बूस्ट, उसका अपना रोल है, मदर का अपना रोल है, सिस्टर का अपना रोल है, गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, हस्बैंड, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली का अलग रोल है, ठीक है। अब आते हैं वापस जो आपने मेरा सवाल पूछा जी, उसका जवाब देखिए मनप्रीत भाई, एज अ कोच मैंने निखिल को भी कहा था, निखिल वाट्सअप भी अभी वो ही इज टेकिंग कोचिंग फ्रॉम बिकी भाजी, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब मैं गया था मैं निखिल को कहा था, मैं कहा देख मेरे सुन गल, मैं कहा नेक्स्ट प्रेप शुड बी योर लास्ट प्रेप, मैंने उसको कहा, मैं कहा क्यों, मैं कहा तुझे 10 साल हो गए मराते, मैं कहा तूने दुनिया के सारे टॉप कोचेस के साथ कोचिंग ले चुका है, मेरे साथ भी ले लिया, तू डेव के साथ भी गया, यहाँ भी गया, वहां भी गया, मैं कहा तू ऐसे कर, तू मैं कहा एक कोच ढूंढ जो तुझे लगता है, मैंने लवप्रीत को यही कहा था, मैं हर एथलीट को अपने को यही कहता हूँ, ठीक है, मैं कहा तू एक अपना होमवर्क कर, पूरा होमवर्क करके एक कोच के फन के, मैं ये 2 साल मैंने अपने लाइफ के लगा देने, उसके बाद मैं कम्पीट नहीं करूंगा, ठीक है, सो आई एम श्योर ही डिड हिज ड्यू डिलिजेंस, जो भी है वो भी बिक्की भाई के साथ उसने शुरू किया, आई जस्ट होप कि ही गिव्स हिज 110% टू बिक्की भाई, एंड कोचिंग इज नॉट जस्ट सिंपल के यार ये मैक्रो खा लो ये खा लो, ये बहुत सारी चीजें हैं, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है, जैसे मैच्योरिटी है, अब लवप्रीत को पता था कि मतलब कि मैंने पारी होता 15 यार मैं बच्चा थोड़ी हूँ यार, हजारों एथलीट हम प्रमोट कर चुके हैं, एज आई सेड आई एम किंग ऑफ प्रमोशन यार, मुझे पता मार्केट में राजी हैं, पीछे देखो ब्रांडिंग कितनी लगाई हुई है, ठीक है ना, तो हमें सारी ब्रांडिंग प्रमोशन आती है, बट
मेरी कोई भी अपनी नीड कभी एथलीट की नीड से ज्यादा नहीं हो सकती है. मैं क्यों उंगली करूं जिससे मतलब के. और मजे की बात पता क्या है, इसने फोटो डाली ठीक है और उसमें ये खराब भी दिख रहा है और इसने बोले कोई नया कोच मैं न्यू कोच बहुत बॉस तू बहुत बड़े प्रोग्रेस कर रहा है. वहीं अच्छी फॉर्म वाली फोटो उससे बेहतर लगे हैरी संधू के नीचे यार बात नहीं बन रही यार बॉस यार बात नहीं बन रही. लोग आपको नाम आ गया मेरा नाम देखो सर लोगों की जलती बहुत है हमसे ठीक है. अब जोर चलता नहीं है जोर तो लगता नहीं है कि कुछ कर सके. अब जलने से तो हम तो और भी जलाते हैं ठीक है ना. अभी तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता. सो टू आंसर दैट क्वेश्चन हमें उसकी जरूरत नहीं है कि मैं लवप्रीत की पब्लिसिटी उसकी कोटेल्स राइड करके करूं यार. वो नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मी इट्स अबाउट द एथलीट. चलो डजंट मैटर. तो लवप्रीत अभी जैसा कि सर ने भी एक बात बोली है कि आपके साथ में 2 से 3 बंदे, मैं तो कहूंगा पूरी टीम नजर आई थी वहां पर स्टेज के ऊपर. आई मीन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आईवीबी के स्टेज के ऊपर इतने सारे बंदे नजर आ गए हों साथ में. थोड़ा सा उस चीज के बारे में बताओ कौन है आपकी टीम में और कैसे ये चीज पॉसिबल हुई, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करो. जी भाजी तो सबसे बड़ा क्रेडिट जैसे भाजी ने भी बोला कि अर्श वो बंदा है जिसने मुझे इस गेम की तरफ टर्न करवाया. अच्छा. उसने मुझे दिखाया. पहले उसने शुरू की बॉडी बिल्डिंग. अच्छा. मेरे से 1 साल पहले ठीक है उसकी तरफ देख के वो मेरा पहला गाइड था. ओके. और सिंस डे 1 ही इज माय ओनली वर्कआउट पार्टनर. अच्छा. कोई और नहीं रहा था इसमें. उसने मुझे मेंटली इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ देखो एक और बड़ा जरूरी एस्पेक्ट उठाना चाहता हूँ यहाँ पे. एक एथलीट है ना भाजी वो कभी भी फिजिकल एक्सर्शन से नहीं भागता. ठीक है. हमें आप 3-3 घंटे कार्डियो करवा लो 500 कैलोरीज पे कर लेंगे. 2-2 घंटे ब्रूटल ट्रेनिंग बेहोश होके उठ जाएंगे कर लेंगे. ठीक है. जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. वो पाजी सपोर्ट कहाँ से आती है. वो आपको कौन बंदा संभालता है आपके घर में. वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है. मैं बहुत लकी था मेरे पास सब थे और सारे मेरे सपोर्ट में थे. उससे भी ज्यादा उस बंदे का थैंक्स करना चाहता हूँ. ये प्रो कार्ड उसका है. Okay. उसने मुझे इस तरफ लगाया ताकि मैं ये काम कर सकूं. आज की डेट में जितने मुझे जानते हैं वो सारे अर्श को जानते हैं. Nice. कि कौन है वो. इज माय बिग ब्रदर. ओके. उसके बाद मेरा ट्रेनिंग जो ट्रेनर मेरा ट्रेनिंग कोच जी डॉक्टर गगन. अच्छा. तो इज अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हैं. तो मैंने मुझे पता लग गया था क्योंकि मैं हर एक चीज़ इस बार टॉप नॉच करना चाहता था. कुछ भी जाऊँ तो मैं जिम मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ इधर मैं अर्श के साथ बात की. मैं कहा बात नहीं बन रही. कुछ चाहिए यार मुझे. क्योंकि वो भी कर सकता था पुश. इतने सालों से वही कर रहा था लेकिन उसको भी लगा कि हाँ हमें चाहिए कुछ. तो हमारे फ्रेंड ही थे ये डॉक्टर गगन. तो हम इनके जिम पहले भी गए थे लॉकडाउन के दौरान. तो इनके पास गया एक दिन वर्कआउट किया. मैंने इनसे बात की. मैं क्या ऐसे है कि शो आ रहा है पास में और मेरी एक इंजरी थी ये यहाँ से क्रोसिस आउटलेट सिंड्रोम समथिंग. हाँ. तो उससे क्या होता है आपके जो सर्वाइकल के पॉइंट है ना फुट में ये जो आपके ट्रेपीजियस मसल है ये आपके बहुत ज्यादा ऐसे दब जाते हैं. तो यहाँ से जो स्प्लाइस जाती है ना वेन्स एंड नर्व्स की वो स्प्रेस हो जाती है. तो पाजी मेरे बहुत पेन होती थी हाथों में. ये चीजों का जिक्र नहीं किया कभी मैंने. पाजी बहुत ये मुश्किल से ये डिसीजन ले पाया हूँ कि मुझे ये प्रेप करनी है. मैंने रातें मैं सो सीधा लेट नहीं पाता था. दर्द से मुझे उठना पड़ता था क्योंकि सीधा लेट जाता मेरे नमनेस आ जाती थी और मेरे बहुत पेन होती थी दोनों आर्म्स में. तो मुझे ये सारी चीजें भी देखनी थी कि मुझे हाँ कोई ट्रेनर मुझे चाहिए जो मुझे इंजरी फ्री रह के मुझे अच्छे से पुश कर सके उस लेवल पे कि मैं वो कंडीशनिंग नेल कर सकूं. तो उनसे मुलाकात हुई. उनको मैंने बताया. उनका भी ये पहला ही जो एक्सपीरियंस था कि किसी एथलीट को ट्रेन कैसे करवाना है. तो हमने दोनों हम बैठे हम हर 2 वीक के बाद हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होती थी. ठीक है. हमारी इंटेंसिटी का लेवल. और पाजी मैं हरी भाई को बता रहा था कि इतना ना मैंने लाइफ में हम मेंस फिजिक करते हैं. आपने अगर मेरे शॉर्ट्स बॉड शॉर्ट्स देखे होंगे पाजी मेरे थाइज क्या मतलब मुझे पहली बार देख के वो चीज़ बड़ी प्राउड फील हुआ कि
कि हाँ यार इनपे काम किया और ये दिख रहे हैं और उनकी वजह से ही शायद मैं ओवरऑल बना हूँ। सबके कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, मतलब आपके विनिंग के अंदर, जैसा कि हरी बाजी कह भी रहे हैं इस बात को। हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश करवाया, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इस बार, ठीक है, कोई सिंगल पॉइंट, कोई सिंगल मसल, कोई सिंगल एस्पेक्ट हमने छोड़ा नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ी हमने। सो यानी कि आपकी टीम में दो पर्सनल हैं, एक मिस्टर अर्श और डॉक्टर गगन, ये लोग हैं। हाँ जी, अर्श का तो चलो भी वो तो So, ये कैसे मतलब पॉसिबिलिटी हुई कि पूरी की पूरी टीम स्टेज के ऊपर आ गई, ये कैसे कर दिया? हाँ जी, ये मैंने नहीं किया। अच्छा, ये करने वाले सर बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे पूरी कहानी बताता हूँ मैं आपको क्या है, क्योंकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जानने वाली। भाई इससे पहले भी ये तो पता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन भाजी उस स्टेज से बैक स्टेज आने का सिर्फ उन लोगों को पता जो एक्सपो में थे। हाँ, हाँ, कि भाई जो हमारा वीवीआईपी ट्रीटमेंट हुआ है वहां पे। अच्छा हरी पाजी, अभी आपने एक और चीज पूछी थी कि पाजी से मैं पहले इंटरप्ट करने लगा था कि आपने यू आर किंग ऑफ प्रमोशन। यस, ही इज किंग ऑफ प्रमोशन एंड ही नो दैट कि कब उन्हें प्रमोट करना है एथलीट को, ठीक है पाजी। हमने वो चीज अंडर कवर रखी, हमारा प्रोडक्ट है ये। और पाजी जितनी प्रमोशन आप देखो, ओवरऑल शो का विनर उसी बूथ पे है तो कितनी प्रमोशन हुई। Yes, yes, हमारे बूथ की प्रमोशन है। किनका एथलीट है? Yes, टीम बॉस का एथलीट है, ठीक है। Yeah, तो ये ऐसे को इन्वेस्टमेंट बड़ी करने के लिए ना, मतलब रिस्क बड़ा लेना पड़ता है। काफी दूर की प्लानिंग की है टीम बॉस ने। जी जी नहीं पाजी, मैं आप बताता हूँ कि मैं इसमें दो चीज़ें थी कि जब हमने मतलब इसकी प्रेप शुरू की थी उसमें तब हमने मतलब कि एक्सपो हमने साइन अप भी नहीं किया था, हमने जाना है। अच्छा, ठीक है, वो कोई प्लान नहीं था। तो वी हैड सम टॉक्स, तो फिर हमने फिर सेप्टेम्बर में हमने डिसाइड किया कि हम एक्सपो जाएंगे, एक्सपो करेंगे। फिर जब हमने एक्सपो जाना पाजी, फिर मेरा जो बंदे एक्सपो पे थे, आप फुटेज भी देखोगे, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम करना नहीं यार, मतलब कि ना अपनी छाप छोड़ के यू शुड बी लाइक। तो फिर वी हैड गुड टॉक्स विद मनीष पाजी एंड सबके साथ, शेरू पाजी वगैरह, सो वी हैड वेरी गुड टॉक्स, यू नो। बहुत सारे लोगों में ये थी मिसअंडरस्टैंड के पता नहीं हमारा आपस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज नेवर नथिंग लाइक दैट। बहुत ह्यूजली लोगों के अंदर ये चीज है, वो भी हम कभी भी डिस्कस टॉपिक में बात कर सकते हैं। दे वर अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी एंड IHFF के बीच में, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी। और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, नए ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हूँ एंड वो अपने शोज में बिजी हैं, तो उसकी वजह से कभी कम्युनिकेशन हुई नहीं। तो देन जब हमने एक्सपो गए, देन ऑब्वियसली यू नो दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी हॉस्पिटेबल, मनीष पाजी एंड शेरू पाजी एंड एवरीबॉडी एल्स, यू नो। सो तो जब हम गए, तो फिर मतलब कि अब हम गए हैं तो अब हमारी वहाँ पे स्टॉल भी है, बूथ भी है, फिर हमें रश भी होता है, फिर एथलीट के साथ तो हमारे पास 5-5, 6-6, 8-8 बाउंसर भी थे और सपोर्ट बहुत थी, बैक स्टेज वगैरह भी। तो जब हम स्टेज पे गए एंड मेरे जहन में यही था कि मुझे चाहे रिकग्निशन मिले ना मिले, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे रिकग्निशन मिली जानी है, मुझे रिकग्निशन की इतनी जरूरत नहीं। भगवान की दया से हमारा ब्रांड बहुत एस्टैब्लिश्ड है, चाहे लोग बोलेंगे हम नहीं जानते हैं, जो सब जानते हैं हमें, ऐसी बात नहीं। हम भी जितने भी पॉपुलर कोचेज रहते हैं, मैं भी सबको जानता हूँ, कभी डिनाय नहीं करूंगा। आप मुझे टॉप जितने भी इंडिया के किसी के 5,000 फॉलोअर्स है ना, मैं सबको जानता हूँ, तो मैं डिनाई नहीं करता। लोग मैंने देखे बट जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पढ़ के भी गए, वो भी गए, मैं तो जानता नहीं उसको उसमें आप बड़े नहीं बनते, आप बेवकूफ दिखते हो कि आपको अपनी इंडस्ट्री के फेलो जो प्रोमिनेंट फिगर्स उनके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे अपनी प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट एंड मेरे लिए स्टेज पे जाना, एथलीट्स को जिताना कोई नई चीज नहीं है। आज की डेट में मेरा ख्याल इंडिया में कोई ऐसा कोच नहीं है कि जिसके पास हमारे 1/4 भी मेडल्स और ट्रॉफीज हों, एंड दीज आर नंबर्स। मैं कोई ये हवा में बना के नहीं कह रहा हूँ कि दीज आर नंबर्स, वी हैव वन मल्टीपल वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्सेस मल्टीपल। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी ऐसा कोच है कि जिसने हमारे जितने टीम बॉस जितने IFBB प्रोज प्रोड्यूस किए होंगे। आई डोंट थिंक सो, आई विल बी वेरी सरप्राइज किसी के हमारे जितने हों, या जितने NPC चैंपियंस बनाए, कुछ भी बनाए हैं, ठीक है। सो मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं, मैं आई एम यूज टू प्रमोशन, माई ब्रांड इज वेल एस्टैब्लिश्ड। तो मैं जब स्टेज पे था, एंड अगेन दिस इज आई वुड लाइक टू थैंक मनीष पाजी यू नो हियर पर्सनली, बिकॉज क्या इतना बड़ा शो है, अब हर कैटेगरी के बाद मैं बीइंग अ शो प्रमोटर आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है, कि हर कैटेगरी के बाद आप
सारी की सारी फैमिली हर विनर को नहीं बुला सकते, नहीं तो अब रात को 12 बजे तक उनकी एक लिमिटेशंस हैं। पीपल टेक इट पर्सनली बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए शोज प्रमोटर्स पर्सपेक्टिव कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट जब मैं स्टेज पे था तो मेरे जहन में एक ही चीज चल रही थी यार कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, ठीक है, मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर मैं मतलब कि मेरे से 15 साल ये छोटा है, मेरे से 2 साल चलो कम लगा लो, तो मुझे पता है कि उसको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, व्हाट इज, बिकॉज दोज मेमोरीज जो हैं स्टेज पे दोज आर फॉर लाइफ, एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरे लिए जितनी बिकॉज मुझे था यार कि इसके लिए अर्श इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गगन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई गॉट अर्श अप ऑन स्टेज बिकॉज ऑफ व्हाट अर्श मीन्स टू हिम, आई गॉट गगन अप ऑन स्टेज बिकॉज आई न्यू व्हाट दैट वुड मीन फॉर गगन, गगन के लिए वो कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। अर्श को बुलाएंगे ये चीजें सारी एक सेकंड में मेरे दिमाग में मैंने कैलकुलेट कर दी, लाइक 1/10 of a second, ठीक है। मैं स्टेज पे खड़ा हूं कि यार अर्श को बुलाना है, व्हाट डज इट मीन फॉर हिम, एंड अर्श को स्टेज पे आने की भूख नहीं है, अर्श को सिर्फ ये है कि यार मेरा भाई जीता है, मुझे स्टेज पे जाकर खड़े होना है, ठीक है। एंड फॉर गगन उसको भी भूख नहीं है, बट आई नो बिकॉज आई हैव बीन देयर व्हेन माय पहली बारी मेरा जब एथलीट ना लोकल कॉम्पिटिशन में भी, आज की डेट में तो मैं 10 में से 9 मेडल्स में डालता भी नहीं हूँ, 9 victories में डालता भी नहीं अपने इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ इतनी, तो वो बिलबोर्ड बन जाए, राइट। बाकी लोग तो उस चीज को प्रमोट करते हैं, हमने कितने मेडल्स कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, सबको पता है, बड़े-बड़े पोस्टर बना के चिपकाते हैं, सर हम कर चुके हैं सब प्रमोशन की करना भी चाहिए, इफ यू यंग कोच न्यू कोच करो अच्छी बात है, हम भी कर चुके हैं, लेकिन अब मैं अगर मैं वही चीजें मैं करता रहूं देन देयर इज नो एवोल्यूशन इन मी, ठीक है। तो उस टाइम पे गगन को बुलाना मुझे था कि यार एक उसके लिए वो बहुत एक मेमोरेबल चीज है, यू नो इट्स अ मेमोरेबल थिंग कि यार मैं उस स्टेज पे इसके साथ खड़ा था, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने दिमाग, तो मेरे लिए अपना वहां पे होना इतना जरूरी नहीं था, ठीक है। मैं नहीं भी जाता ना मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्ट टू गॉड, बिकॉज आई एम एस्टैब्लिश्ड, राइट। बट गगन को बुलाना एंड अर्शदीप को बुलाना वॉज फार मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन मी बींग अप देयर, एंड आई एम बीइंग डेड ऑनेस्ट हियर, राइट। So then I said to Manish Paji, I don't remember if I looked at him and asked him because I was so excited. So I called them both, but credit to Manish Paji, you know, he didn't stop me. Achha. But at that point in time, I am putting my reputation on the line. Yeah, absolutely. You know, because all it would have taken, itna hi hota, mujhe pata hota hai ki nahi aa sakta. Mere to lassi hogi na. Bilkul. Paji, main ek established aadmi industry mein, duniya janti hai. बंदे ने काटे मैं ब्लड स्टेज पर लड़ाई थोड़ी करूंगा, उनका शो है भाई साहब, हाउ कैन आई फाइट कि मैं लड़ाई धक्के थोड़ी ऊपर लूंगा। तो बट देन आई वाज विलिंग टू सी पाजी, अपना बड़ा सिंपल लगा मैं, आपा आई एम आइदर विद यू और आई एम नॉट नेसेसरली अगेंस्ट यू, बट इफ आई एम विद यू देन आई एम विद यू, आपा पाजी अपने तो यू नो माय रेपुटेशन इज वेरी फियर्स, आई डोंट मिंस वर्ड्स एंड आई विल फकिंग लुक इन योर आइज एंड आई विल टेल यू योर शिट कंट, एंड आई टेल पीपल आल्सो वेरी नाइस के सो दैट यू नो इट वाज या इट यू नो ओही गल ना पाजी गोइंग बैक टू दैट when stars are in your favor na everything works out but rab puthiyan sidhiyan paunda hai to stars were in favor everything worked out sare patte aapke haq mein gaye hain sab jagah par bilkul theek aaye hain acha Lavpreet mere ko ek baat batao theek hai aapne apni prep ki show mein aapne fight bhi karna shuru kiya stage par bhi aap aa gaye stage par aane ke baad mein athlete ko pata lag jata hai ki mere lineup mein kaun kaun khada hua hai so matlab main bada bluntly aapse poochna chahunga aap kisko target kar rahe the wahan par stage ke upar paaji main mujhe to sirf मैं ना जब मेरा शुरू से ये रहा है पता नहीं मुझे किसने बताया था लेकिन वो चीज़ मेरे आज भी दिमाग में जहन में और हम जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ वो रहती है। I'm sorry, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा, एथलीट भी सोचता है कि मैंने एथलीट को काटना है, सामने बैठा कोच भी सोच रहा होता है कि मेरे एथलीट को दूसरे कोच के एथलीट को कटवाना है, मतलब कोच की भी फाइट है, इतनी ईगो हो चुकी है। तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं पाजी? सबसे पहले मेरा जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ मेरा मेरे साथ कॉम्पिटिशन होता है हर बार खुद से। मैं पाजी नहीं, ये बात कहने की नहीं है, ये बात मुझे पता है, हरी पाजी को पता है, मैं पाजी स्टेज पे साथ में कौन है कौन नहीं है मैं नहीं देखता। अच्छा, मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा हुआ था जीजो जॉन। अच्छा, उसके वो मेरे सेम लाइनअप में फर्स्ट कॉल आउट में, हम दोनों अपनी कैटेगरी में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। एक साइड पे मेरे गुरुदेश मान पाजी खड़े हुए थे, मेरे सीनियर हैं पाजी के, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, खड़े हुए हैं मेरे साथ। दो मेरे अपने ऐसे हैं बंदे भी, जो तीसरा कृष्णा वो खड़ा हुआ है, मुझे भाजी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कौन मेरे साथ खड़ा है कौन नहीं है, हम एक ही चीज को लेके चलते हैं, नंबर वन और नथिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या वन साइडेड।
जब जाना है वन साइडेड जाना है, वन साइडेड का मतलब ये है भाई आपका कंपैरिजन है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। उतने प्रिपेयर होके जाना था भाई, आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है ये, हमने 5 प्रो क्वालिफायर किए, आइदर नंबर 1 और नथिंग, या हमने गोल्ड लिया है या हम टॉप 5 में आए। तो हारने 2020 में गोल्ड मेडल आया था शेरु क्लासिक में, अब 2022 में गोल्ड मेडल प्रो कार्ड एंड ओवरऑल प्लस 7th प्लेस इन प्रो शो। और जिस शो में मैं गया हूं वहां पे जीते ही हम, जहां मैं 2020 में मैं इसके साथ था तब भी गोल्ड मेडल, अभी क्या अगले शो में भी जाएंगे प्रो शो इकट्ठे। अरे भाजी आप आज भी क्या अपने आप को नंबर 1 कोच मानते हैं? सर मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दो भी मैं सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, मेरे मानने या मानने से मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पर आप सारा क्रेडिट लवप्रीत को दे रहे हैं। मैं कोचिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, ऐसे कर क्या आप नंबर 1 कोच मानते हैं अपने आप? जी इनका क्रेडिट मैं दे दूं, मेरे से ये सवाल पूछा जाए प्लीज, एक मतलब स्टूडेंट से पूछा जाए। नहीं मैं एक्चुअली इस वजह से पूछना चाहूंगा कि जो और प्रोज हैं जैसे डेल्टा है, राजा अजीत है या सिद्धांत है, अफरोज है, ये सारे लोग हैं, मतलब एज कम्पेयर टू योर स्टूडेंट आप कैसे अपने आप को बेटर मानते हैं उनसे? सर बड़ी चीज को ऐसे बड़ी बड़ी सिंपल चीज है कि मतलब हम अपने आप को ये टीम बॉस को नंबर 1 को टीम क्यों कहते हैं इंडिया में, हम क्यों कहते हैं? सर इसका तो बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, सबसे बढ़िया पता है कि हमारा जो चाहे जो हमारी स्पोर्ट है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं, मेडल्स हैं, चैंपियनशिप्स हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं है, राइट? ठीक है, स्टेज पे आप कह सकते हैं, लेकिन अब हम नंबर 1 क्यों हैं? कोई भी आप इंडिया का कोच उठा लो, कोई भी अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, मुझे एक कोच बता दो कि जिसने सारी फेडरेशंस के अक्रॉस चैंपियंस प्रोड्यूस किए हों, एंड ये नहीं कि लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हमने हर फेडरेशन में हर इंटरनेशनल लेवल तक हमने जीते हैं, ठीक है, IBBF में मिस्टर वर्ल्ड हम जीते हैं, दो तीन एशिया पता नहीं कितने जीत चुके हैं, मिस्टर इंडिया हम कितने जीत चुके हैं, मसल मेनिया के चैंपियंस में हम रह चुका हूँ, फिर दूसरी कोई फेडरेशन लगा लो IFBB के आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ चार प्रोज आई डोंट थिंक किसी भी और फेडरेशन किसी भी और कोच के इंडिया में नहीं होंगे। जो हम अगर नंबर लेके चलते हैं और नंबर ही मैटर करते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है, कोई कहता मैं नंबर 1 हूँ, उनके नंबर 1 कहने से होता कुछ नहीं है, ठीक है, मैं अगर कहता हूँ तो सर वी हैव द रन्स ऑन द बोर्ड, हमारे ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज और सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर नंबर 1। सुपर, लोगों को लगता है कि ये मतलब कि दे एरोगेंट, दे चिढ़ते हैं, तो आई एम ओनली स्टार्ट कुछ होता है कि मुझे उंगली लेके निकलने की बात आती है कि हां थोड़ा लगाओ। ये क्वेश्चन मैं इस रिगार्ड और इस एस्पेक्ट में भी पूछना चाहूंगा कि अगर आपके जैसा कोच, वर्ल्ड क्लास कोच, एजुकेटेड कोच अगर यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया के अंदर, सो देन क्या जरूरत पड़ती है सुनील यादव जैसे एथलीट्स को हानी रामबाउन के पास जाने की? उसके ऊपर आपका क्या टेक है फिर? सर देखिए आई थिंक थोड़ा हमें ये भी है कि पता नहीं यार कि बाहर वाला कोच क्या कर देगा, ये बहुत जुनून है, यू नो, एंड आई विल ओपनली से इट कि जो सुनील फॉर्म लेके गया था इस बार, ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो कि हम अगर हम ज्यादा कंपेयर नहीं करते तो आप मनोज सरंगा पानी को कर सकते हो ना सुनील से कंपेयर, ठीक है, मतलब सिमिलर कैटेगरीज है, वो भी क्लासिक 212 खेल रहा था, वो क्लासिक खेल रहा था, सिमिलर बॉडी बिल्डिंग जी जी, यू कांट कंपेयर द टू यार, कहां मनोज की कंडीशनिंग, मनोज की कंडीशनिंग हमेशा जब वो मेरे साथ भी था, बैंगलोर में भी था, उसकी कंडीशन अनबिलीवेबल, ठीक है, अभी वो और भी इम्प्रूव है, कंसिस्टेंसी आप एक बार कोच के साथ रह के कर रहे हो, दिन रात कोच के साथ ही बैठे हो, जैसे गोद ले लिया हो, तो कोई एंड ये सुनीत को भी पता है, अगर आप हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, अगेन मैं कैमरे में देख के कह सकता हूँ ये मुझे मतलब कि नॉट, दिस इज नॉट एन इंडाइटमेंट ऑन सुनीत एज अ पर्सन, ये सुनीत के पर्सन के ऊपर कोई इसकी मैं उसकी उसको एज अ कैरेक्टर के ऊपर कोई उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ एक बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर हम सुनील से ही पूछें या उसकी पुरानी वीडियोस निकालो, पुरानी फोटोज निकालो कि जो पुराने बंदे खेल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं उसको 2014-15 से देख रहा हूँ, जब भी इसने जराय क्लासिक में कम्पीट किया था संग्राम के साथ, वो शो मैंने जराय क्लासिक, पहला जराय क्लासिक इंडिया में मैंने MC किया था, राइट, तो इसको मैं तब से देखता आ रहा हूँ, तो ये तो सुनीत की टॉप 10 वाली कंडीशन में नहीं थी, जितनी इसकी अगर आप लाइफ के टॉप 10 फॉर्म्स ले रहे हो ना सुनीत की, तो ये टॉप 10 में इसकी फॉर्म नहीं आती है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये होता है हमेशा कि हम बाहर कोचेस के बाद, मेरे पास ऐसा कोई कोच नहीं है इंटरनेशनल जो अगर टॉप के 20 कोचेस से एटलीस्ट 15 कोचेस की मेरे पास क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कुवैत से हैं, चाहे वो क्रिस सीटो है, चाहे वो डेव पलम्बो है, चाहे वो कोई भी है,
ठीक है, मेरे पास ये सारे इनके क्लाइंट्स आ चुके हैं, मेरे इनके पास जाके भी वापस आ चुके हैं, राइट। सो द पॉइंट इज दिस कि अगर आपने हानी रैम्बोर्ड लिया जी, तो हानी रैम्बोर्ड वाली कंडीशनिंग कहां पे है ना, मुझे दिखाओ ना कि सुनीत ने आज किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सुनीत ने जो पहले खुद करता रहा वही करता ना, तो शायद उसकी उससे बेटर कंडीशनिंग। क्या सुनीत डिजर्व करता था गोल्ड जीतना? यस। क्या ये सुनीत की बेस्ट थी अपनी? बिल्कुल नहीं। समटाइम्स यू डोंट, जैसे अब फिल हीथ है, ही डजंट नीड टू बी हिज बेस्ट एवर टू विन 9 out of 10 कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। अब सुनीत के लिए क्या उसकी बेस्ट थी? नहीं थी। क्या हानी उसकी बेस्ट ले पाए? बिल्कुल भी नहीं। ये सबको पता है, आपने वैसे वाह वाह करनी, बल्ले बल्ले करनी, दैट इज डिफरेंट। वो जो मर्जी बोलते हो, अनएजुकेटेड कमेंट को नहीं, जो अब लोग इसको भी निकाल के बाकियों को जो हैरी संधू ने ये बोल दिया, वो लोगों की आदत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो रियलिटी ये है, दो चीजें हैं कि मेरे हिसाब से सुनीत क्या डिजर्व करता था अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीतना? यस, ही कुड हैव वन इजीली, हो सकता था। अगेन, मैं जजिंग टेबल पे नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। जो वीडियो में चीजें दिखती हैं, जो रियल लाइफ होती है, वो बहुत अलग होती हैं। तो बट इतना मैं जरूर कहूँ, जो कि ये क्रेज है कि बाहर वाले कोच ने क्या कद्दू में तीर मार लेना, सर कुछ नहीं होता। जब आप बाहर वाला कोच लेते हो ना, और जब डॉलरों में पैसे भी करते हैं, तो बंदा भाई साहब ब्रोकली भी नाप के खाता है। और वही अगर मेरी सैम से भी बात हुई थी, सैम ने सर कुछ नहीं है बाहर वाले कोचेस में, कोई जादू नहीं है, 100% कोई जादू नहीं है। फर्क ये है कि जब आप डॉलरों में पैसे देते हो, tilapia and yams खाने हैं, ठीक है ना, तो बनता फिर वो ब्रोकली भी नाप के खाते। जब दो साल अपने कोच के साथ लगा लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यार अब ये डेल्टा है, राजा है, जितने भी बंदे हैं सारे, इन्होंने सारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं किया, डेल्टा का कोच भी तो इंडियन ही कोच था ना, सर उसने प्रोग्रेस की बिकॉज ही इज पुटिंग टाइम, इसने प्रोग्रेस की ही इज पुटिंग द एफर्ट। बाहर वाले कोच ने वही बीफ है, वही मीट है, वही चिकन है, वही स्टेरॉइड्स है, ठीक है, वही सप्लीमेंट्स है। तो ये जो वहम है हमें कि बाहर वाले कोच ने बोलने क्या कद्दू में तीर मार देना, कुछ नहीं आया। सो लवप्रीत, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, और वो ना बड़ा आउट ऑफ द ट्रैक सा क्वेश्चन है, मतलब उसमें डायरेक्टली आपका कोई लेना देना नहीं है, बट यस मैंने बहुत बार सुना, देखा, कई लोगों ने मेरे को वीडियोस भेजे या उन्होंने मेरे को बताया इस चीज के बारे में कि सिद्धांत जायसवाल को एक्चुअली ऐसा लग गया कि जैसे वो ओवरऑल विन कर चुके हैं, और somehow मतलब उन्होंने फ्लैग वगैरह निकाले, वो सारे जेस्टर्स जो होते हैं विनिंग के, जो जेस्टर्स होते हैं, वो सब उन्होंने करने भी शुरू कर दिए थे। सो बट बनना किसी और को था, वो बने भी, सो उसके ऊपर आपकी क्या अपनी खुद की एक पर्सनल वो है, ओपिनियन है? भाई पहले तो उनको कांग्रेचुलेशंस कि उनका वो भी मेरी तरह कंसिस्टेंट रहे जी, मैं अपने को पीछे क्यों करूं, मैं भी तो कंसिस्टेंट हूं तो मेरी तरह रहे वो भी। और उन्होंने ही वाज यू नो इतना कोई कर रहा है तो बहुत बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। बट लगना, किसी को लग रहा है कि मैं जीतूंगा और जीतना, ये तो अलग बात है, ठीक है, ठीक है। लगता तो पहले मुझे ये 5 सालों से था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ ये तो अभी सारी प्रूवन है चीजें कि वो हाँ उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में कही पे उनकी मैंने वीडियो देखी थी कि उन्हें लगा कि जैसे मैं ओवरऑल बन गया, पीछे खड़ा मैं ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरा अच्छा, मुझे आने दो अभी, वेट एंड वॉच। तो मुझे पता था वी वर नंबर 1 और नथिंग, हमें 3rd overall नहीं लेना था, ठीक है। तो मैंने क्लियरली यहाँ मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, और ये उन्हें मानने भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने उन्हें बहुत एक बड़े मार्जिन से बीट किया है, ठीक है। ओवर ऑन क्या का वो रहा है वहां पर रैंकिंग? ओवरऑल में वो 3rd थे, 2nd एक इजिप्शियन था और 1st ओवरऑल मैं था जी। उसके बाद प्रो शो की जो रैंकिंग है उसमें उनका रैंक आई गेस 13th है, काफी आगे से, और मेरा 7th ऑलमोस्ट हाफ मार्जिन से मैंने उन्हें बीट किया है। तो हाँ उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं, बहुत बहुत कम लोगों ने ऐसे इस बार पाजी एक कमेंट मैंने ये नहीं पढ़ा, नहीं तो लोग कहते हैं कि चलो सिद्धार्थ की भाई के उसके फैन होंगे, उन्होंने किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू डिजर्विंग नहीं था, उनको भी तो दिख रहा था जो 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 था वो था, जिसको बनना चाहिए था वो बना, ठीक है। लगता तो मुझे भी है भाजी कि मैं ओलंपिया बन जाऊंगा, लेकिन बनूंगा तो मैं बन गया।
अच्छा, आप एक और आपने काम किया वहां पर, आप टैन से भरी हुई जो शॉर्ट थी वो पहन के आप प्रो शो वाले स्टेज पर चले गए थे, क्या बात है सर? वो मतलब वो कोई जुनून था या वो कोई लकी शॉर्ट थी कि नहीं यही वाली शॉर्ट पहन के मतलब ये मेहनत की टैन है मेरी वो शॉर्ट्स ना, वरना लोग तो एकदम क्रीज और फिनिश्ड और बिल्कुल प्योर क्लीन वाली शॉर्ट पहन के ऊपर चढ़ते हैं। मैं 3 दिनों से वो शॉर्ट्स पहनना था। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, 3 दिनों से। और बात ये हुई थी कि मैंने ना 4 वीक्स आउट था मैं, तो मैंने एक शॉर्ट्स ऑर्डर की, ऑर्डर किया मैं अपने फ्रेंड को, बोला वो आ रहा था कनाडा से, तो मैंने कहा कि ये चोला वेयर के, मैंने उसे ना वो आर्टिकल भेज दिया कि ये ले आ, और 28 वेस्ट में ले आ। वो 28 वेस्ट में ले आया, मैंने वो पहन के देखा, वो तब तो ठीक आ रहा था 4 वीक्स आउट में। बाजी जब मैं शो वाले दिन पहना, मैंने यार ये कमर कहाँ जा रही है। तो लकीली गगन ने, मेरे ट्रेनर ने, उन्होंने एक शॉर्ट्स मंगवा लिया था बाहर से। अच्छा। वो 26 में मंगवाया था हमने, 26 वेस्ट में। ठीक है, ये भी पहली बार रिवील कर रहा हूँ कि जो मेरी वेस्ट लाइन, वेस्ट साइज बार बार पूछते हैं, 26 ऑन स्टेज मेरे शॉर्ट्स का साइज था। वाओ, ठीक है जी। और पाजी वो शॉर्ट्स मैंने पहने प्री जजिंग वाले दिन, ठीक है, प्री जजिंग का पूरा दिन निकल गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने जो अपना कैटेगरी में गोल्ड मेडल के लिए, तब उसके बाद जब मैंने वो प्रो कार्ड राउंड में थर्ड में, तब जी, फोर्थ में जब हमारा प्रो शो जो शुरू हुआ, और उसमें मतलब मैंने वो पिछले 3 दिनों से वही शॉर्ट्स पहन रहा था। और मुझे दिलीप ने, डेल्टा ने मुझे बुलाया भी बैक स्टेज, कहता ब्रो व्हाट्स रॉन्ग विद योर शॉर्ट्स। मैं पिछले 3 दिन से पहन रहा हूँ, मैं भाई तुम फ्रेश चढ़ रहे हो स्टेज पे। हाँ। मैं पिछले 3 दिन से फुली एक्सर्ट हूँ मैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड हूँ कंप्लीटली। तो आज वो शॉर्ट तो फ्रेम होकर घर पे टंगी हुई होगी भाजी, ये यही करना है बस। अच्छा, ये वो शॉर्ट्स को वैसे टैन में, उसको मैंने उसको जैसे जैसे बास्केटबॉल के जर्सीज करते हैं ना, तो वैसे साथ में उसके मेडल और वो ट्रंक नंबर मेरा और शॉर्ट्स, उसको मैं फ्रेम करूंगा। सुपर सुपर। ये बात इसमें छोटी सी बात है कि हमने बैक से पे इसने निकाली दूसरी शॉर्ट्स। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा हम दोनों ने फैसला किया, हमने फिर यही तय किया, मैं कहा नहीं यही सही लग रही है, यही रहने दो, नहीं पहनेंगे, यही सही लग रही है। अच्छा हरिपाजी, सडनली क्या हो गया कि इंडिया के अंदर जैसे जो प्रो है उनके जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स, वो सडनली इंक्रीज होने लग पड़े हैं। और अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूं स्टेट वाइज या जोन वाइज, तो नॉर्थ इंडिया से, वो भी खास तौर पर पंजाब में से, काफी सारे प्रोज जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग पड़े हैं। सो इसके पीछे क्या मतलब कोई खास रीजन है? यहाँ का खाना पीना है, एनवायरमेंट है, कोचिंग अच्छी है, क्या है, क्या डोमिनेशन, मतलब पंजाब से अचानक से इतने सारे प्रो आने लग पड़े, ये क्या हो गया? सर मतलब कि पाजी इसमें आई थिंक पता क्या होता है कि स्पोर्ट पॉपुलैरिटी कई बार स्टार्स इन योर फेवर, आपने ना मतलब कि सितारे अगर आपके बुलंद हों तो जैसे सैम भी, रवनीत भी, लवप्रीत भी, बिक्की पाजी भी जी, और एक दो लड़के जरूर होंगे जो हैं यहाँ से प्रोज वगैरह हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर निकलते शुरू से पंजाब प्रोड्यूस करते रहे। आई थिंक इंडिया में जो अगर हम 3-4 स्टेट्स की बात करते हैं तो आपके टॉप बॉडी बिल्डर्स हमेशा तमिलनाडु से आए हैं, महाराष्ट्र से या पंजाब से, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप यूपी भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये हमेशा बॉडी बिल्डिंग में डोमिनेट करती रही हैं। एंड नो सरप्राइज देख लो कि जो जो आपके पॉपुलर मेंस फिजिक प्रोज हैं, वो आपके डेल्टा हो गया या राजा जीत हो गया, उसके सोशल मीडिया डार्लिंग्स, यू नो उनको आते हैं, उनकी वीडियो टीम्स उनके साथ रहती हैं, फिर वो एडिटिंग कर कर के डालते रहते हैं, यू नो हाइप बना के रखते हैं। फिर महाराष्ट्र में आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, वो अभी प्रो बन गया, वो बिना प्रो ही बहुत पॉपुलर था शुरू से, राइट। सो आई थिंक पंजाब शुरू से स्पोर्ट में अच्छा रहा है। आई थिंक एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर हमारी सरकार अगर हमें कहीं सपोर्ट करती रहती या करती, एनवायरमेंट अगर साफ हो हमारे स्टेट का, जो मतलब कि अनफॉर्चुनेट, जो पोलिटिकल साइड नहीं जाना चाहूँगा, बट आई थिंक इट्स नोन कि पिछले 15 साल से जो मतलब कि पिछले 20-30 साल तो जो जखना पट्टी इन्होंने भैन च पंजाब की मिट्टी नाश करने वाली गल है, मतलब कि मिट्टी पलीत करने वाली गल, अगर आप सपोर्ट करो तो पंजाब से 100 गुना आगे होता। आपका क्या सोचना है? जी जी सर, मैं जरूर इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि
सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं पंजाब की धरती पे मैंने जन्म लिया। सुपर गुरुओं पीरों की धरती है वो। यस ठीक है। और उससे बाद ये एक वॉरियर बेल्ट है। बिल्कुल ठीक। हमारा नॉर्थ जोन का पंजाब वॉरियर बेल्ट है। यस। आप ये इस चीज को मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि पंजाब में से निकलते क्यों इतने प्रोज या बढ़िया एथलीट, उनको हालांकि एनवायरनमेंट नहीं मिलता जैसे हरिभाज ने बताया जी। हम लोगों का अगर आप इतिहास देखो ना, आपको तो अच्छी तरह पता होगा मेरे से भी कि हमारे गुरुओं ने तो घोड़े होते ना, घोड़े उनकी जो ऊपर सीट होती है उनपे बैठ के जंग लड़ते थे और उसी पे बैठ के सो जाते थे जंगलों में। ठीक है। हमने तो उस हालात में हथियार नहीं छोड़े, हमें एनवायरनमेंट जो मर्जी मिले, जो हमारे अंदर का खून है ना, जो वो वॉरियर वाली स्पिरिट है वो जाती नहीं है, जाती है। ठीक है। तो हमारे साथ शहीद सिंह हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है। तो इसलिए हम उन चीजों को साथ लेके चलते हैं, रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। ये चीजें शायद ही कोई एथलीट कवर करे, मैं इसको जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अगर आपने जिंदगी में तरक्की करनी है, सबसे पहले आप अपने रूट्स मत छोड़ो। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई सिद्धू मूसेवाला भाई, जो हमारे आज बीच में नहीं रहा जी, सल्यूट टू हिम। उसने सक्सेसफुल होने के बाद अपना गांव नहीं छोड़ा, अपने लोगों के बीच रहा और ज्यादा रहा। यस, यस, यस। उसने अपने माँ बाप को दुनिया में इतना सुपरस्टार कर दिया कि शायद ही किसी के पेरेंट्स इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। बिल्कुल ठीक है। वो चीजें अगर हम सारी वो उनकी लाइफ में से ये चीजें सीखें कि हमें अपने पेरेंट्स को कितनी इतने इज्जत देनी है, इतना प्यार कर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं इज्जत प्यार दो सब देते हैं, उनको बेस्ट लाइफ देनी है। ठीक है। मेरी मदर आज 5000 का सूट पहन रही है तो मैं उसको रानियों की तरह रखना चाहता हूं। आई लव माई मॉम। ठीक है। एंड आई लव माई डैड। ठीक है। तो ये चीजें आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करो, अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहो, बहुत आगे तक जाओगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा हरिभाज जी, मैं आपसे एक ऐसी चीज पूछना चाहूंगा जो जजिंग से रिलेटेड है, और वो ये है कि आपने बहुत टाइम से आईएफबीबी की जजिंग भी देखी है। सबसे पहले तो मैं अब ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आईएफबीबी की जजिंग को आप क्या स्टैंडर्ड या कैसा मानते हैं, मतलब पर्सनल लेवल पर कैसा मानते हैं, क्योंकि आप एक रिसेंटली एक नए शो उसके अंदर भी आप खुद जज रहे हैं, हेड जज रहे हैं आप। तो अच्छा, तो आप आईएफबीबी की जजिंग के बारे में सबसे पहले बताइए सर। देखो, जब एथलीट जीता है तो जजिंग बल्ले बल्ले है, जब एथलीट हारता है तो वही जजिंग जजेस करते हैं। आज आपका स्टूडेंट जीत चुका है, मैंने इसलिए पूछा है। तो ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ बैठ के बोलेंगे आईएफबीबी की जजिंग बड़ी बेकार है तो बोलेंगे सर आपके तो सारे एथलीट जीते हैं। ठीक है। मेरे तो मतलब प्रो के अलावा भी रवि कितनी बड़ी गोल्ड जीत चुका है आईएफबीबी के, मतलब कि वो आर्नल्ड क्लासिक में जीत चुका है, इंडिया अमेचर में जीत चुका है, क्या नाम उसका, कार्तिक है हमारा एथलीट, पता नहीं कितने बंदे मेरे नेशनल कॉम में गोल्ड जीत चुके हैं आईएफबीबी में। तो सर मैं अगर बोलूं कि आईएफबीबी की जजिंग बेकार है तो बोलेंगे यार तुम्हारा तो हमेशा एथलीट जीते, तुम कैसे बेकार बोल रहे हो। अगर मैं बोल दूं कि बहुत अच्छी है बोलेंगे बायस्ड है। सो लेकिन एक मैं चीज जरूर कहूंगा फ्रॉम जजेस पर्सपेक्टिव कि अब मैं मानता हूँ वीडियोस फोटोज बड़ी अच्छी चीज है, पर जो रियल लाइफ में जब होता है ना, अब देखो लवप्रीत भी स्टेज पे गया था, हालांकि लवप्रीत का पोजिंग कोच है, इसकी सारी पोजिंग भैया बहुत बढ़िया करके आया था। ठीक है। लेकिन जो होता है ना कि देर आर मोमेंट्स ऑन स्टेज कि अगर आपने उस मोमेंट में पोज नहीं हिट किया, एक तरीके से नहीं किया और उतने में जज आपको नहीं देख पाया, तो वो दैट इज इनफ फॉर यू टू गो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। एब्सोल्युटली। बहुत फर्क होता है। yes. और जब एथलीट जब फोटो डालता है, वीडियो कंपेरिजन डालता है, तो वो हमेशा अपनी बेस्ट फोटो डालता है। जब दूसरा बंदा इन बिटवीन पोजेस है और आप फ्लेक्स कर चुके हो तो एथलीट सेटल डालते हैं। तो जो जजिंग है, मतलब कि आई थिंक इट्स नोन कि जब कोई भी हाई लेवल शोज है वो पॉलिटिकल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। चाहे वो आईबीबीएफ है, चाहे वो आईएफबीबी है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी जो बड़े शोज है देयर ऑलवेज पॉलिटिकल। अच्छा। कौन स्पॉन्सर है, कितना स्पॉन्सर ने पैसा डाला, कौन सा कोच है, उसके कितने एथलीट्स आ रहे हैं, जज का कनेक्टेड है, प्रमोटर का कनेक्टेड है, ऑल दीज थिंग्स
ये मैटर तो करती हैं, हम अगर बोलेंगे कि नहीं ये आईबीबीएफ में भी है, ये आईएफबीबी में भी है, ये एनपीसी में भी है, ये हर कॉम्पिटिशन में है, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक जो आमतौर पे 9 out of 10 times आई थिंक जजिंग सही होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं छोटी सी बात कहूँ, अभी हमारा मेंस फिजिक में मेरा ही एथलीट फर्स्ट कॉल आउट में था प्री जजिंग में, ठीक है, वो सेवेंथ था एंड 9 बंदे प्री जजिंग में हुए थे, लेकिन अगले दिन जब प्री जज जो फर्स्ट कॉल आउट में उसका नाम आ गया, जब आ चुका है, पता होता है कि आप फर्स्ट कॉल आउट में अगले दिन आप हो, ठीक है, लेकिन उसको और एक दूसरी एक और कैटेगरी में 2 एथलीट मिस हो गए, और जब पूछा गया आंसर क्या हमें दिया गया था कि वो गलती से मिस हो गए। Sometimes these things happen. अच्छा. That is bodybuilding. That is human. That is it's to err is to be human, right? तो ये चीजें होती हैं। गोल क्या है? मैं समझ सकता हूँ कि एक एथलीट इतनी मेहनत करके गया, वो ये नहीं सुनना चाहता, बट सर 500-600 एथलीट को जज करना और गलती ना होना, और आप मतलब कि आप कुछ और देख रहे हो, उस सपोर्टर कुछ और देख रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक 90-95% जजिंग इज प्रीटी गुड इन आईएफबीबी। क्या इम्प्रूव हो सकती है? यस, किसी भी चीज में हो सकती है इम्प्रूव। अब हम बिग फिट की बात कर ले, ठीक है, बिग फिट में कहते हैं कि मैंने उसको जिता दे, पहली बात तो सर मैं हेड जज था ही, ठीक है ना, तो पहले तो आई वांट टू क्लैरिफाई दैट मैं जजिंग करने जाता ही नहीं कहीं, आई डोंट गो टू जज एनी बिकॉज क्योंकि मेरा जो जजिंग करने का तरीका बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। हमारे शो की बॉस क्लासिक की इतनी सॉलिड रिस्पेक्ट इंडस्ट्री में आज की डेट में क्यों है, क्योंकि बिकॉज हमारी जजिंग सॉलिड होती है एंड आई जज, आई डोंट गिव अ शिट कि कौन है वहां पे स्टेज पे, ठीक है। इस बार गए कुछ चैलेंज हुए, कुछ ने पंजाब वाले बंदे हरा दिए, पंजाब जिता दिए, अगर आप मलिक में बाल की खाल उधेड़नी है, ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कृष्णा चौहान आज सम्राट के साथ गया, सम्राट भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है, अच्छा, ठीक है, सम्राट भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है, कृष्णा भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है। अब कृष्णा जी मुझे छोड़ के क्यों गए थे दूसरे, उन्होंने उसके बाद 5 कोचेस चेंज कर लिए, वो संपत के साथ भी था, वो आईबी ट्रॉफी वाला ईशान है जो कैनेडा वाला, वो भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है, ठीक है। तो फिर संपत के पास गया, ईशान के पास गया, ईशान के वो सम्राट के साथ है, ठीक है। अब किशन मुझे क्यों छोड़ गया था हमारी फॉलोइंग और, क्योंकि वो बॉस क्लासिक में उसकी प्लेस नहीं पड़ी, ठीक है, तो उसने बोल दिया कि ये आपने जान के हराया, ये तो पैंच दो गल हो गई, जिता दो तब बुरे, नहीं तो तब बुरे, कहते जी आपने नंबर बनाने के लिए मुझे हरा दिया ताकि आपकी वाह वाह हो जाए, वाह यार बड़े सही हो, चलो जिता दो अपना बजा जिता दिया, ठीक है जी। तो एनीवे द पॉइंट इज दिस के अब कीरत का गोल्ड अपनी कैटेगरी में आ गया, पंजाब पे था अपनी कैटेगरी में, अब मुझे कोई भी बंदा बोल दे कि यार उसको ओवरऑल बनता था दीपक अगेंस्ट, तो सर मतलब कि फिर आप खुद बैठ के जजिंग कर लो ना। हरी भाजी एक्चुअली ऐसा बोला जा रहा है कि आईएफबीबी के शो में जो लोग जीत करके आए हैं ना, खास तौर पर पंजाब के जो एथलीट्स हैं या इधर उधर के एथलीट्स हैं, एक स्पेसिफिक कोच के स्टूडेंट्स, आपने उन सारे जितने भी एथलीट्स हैं ना उनको काट दिया, क्यों सर, ऐसा क्यों किया सर? मेरी बात सुने, पहली बात तो मैं अकेला जज, मैं हेड जज था नहीं, अच्छा, ना मैं अकेला जज, ये तक गया कि भी बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने शायद उनको, मुझे सर जब वोटिंग हो रही 3:1, 3:2 हो रही है, तो ये बिग फिट का भी कोई स्कोर कार्ड ऐसा कोई छपता होता है, कुछ होता होता है सर? नहीं, कोई स्कोर कार्ड थे वहां पे, पता नहीं कहां के कहां नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन या तो मैं अकेला बैठा जज की इंजरी कर रहा हूँ ना, तो साथ में तो 3-4 जजेस और भी बैठे ना, तो स्कोरिंग हो रही है 3-2 कर रहे हैं, तो मैं अकेला तो जिता नहीं सकता, और बाकी ये की एक एथलीट के सारे एक टीम के एथलीटों को काटना, मुझे नहीं पता कौन सी टीम है, क्या है उनका, कौन से एथलीट है, तुम वाले कौन से, तुम यहाँ वहां पे जर्मी बोल्डे आ रहे हो यार, लोग अपने आपको इंपॉर्टेंस नहीं, बोलते मैं बड़ा बहुत खड़ा हूँ, बैजा टेक है वड्डा सारा जेम्स बॉन्ड, नहीं लोगों को ये पता मैं बहुत बड़ा एथलीट हूँ, ठीक है ना, यहाँ तो आप मतलब 10 गोल्ड जीत के हो, चलो हाँ वरुण मल्होत्रा मैं मानता हूँ, उसको हर बंदा जानता है, वो जीतता हर जगह होता है वो, एंड ही स्टैंड आउट, बाकी बॉडी बिल्डिंग क्लास में इतने बंदे खड़े हैं यार, रवि था मेरा स्टूडेंट, ठीक है, मैं उसको भी जिता सकता था, ठीक है ना, मैं तो बैठा ही नहीं जिस क्लास में रवि था, रवि ने क्लासिक खेली और बॉडी में तो दोनों में नहीं था, ठीक है, मुझे बंदे मैसेज कर रहे हो उस क्लास के बारे में, उसको मैं कहा भाई साहब मैं तो इस क्लास में था भी नहीं, अच्छा, जजिंग पे, अच्छा, मैं टेबल पे ही नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर किस बात के लिए आप गुस्सा कर रहे हो, मैं तो टेबल, आप गुस्सा कर रहे हो, वो तो कह रहे हो डिग्गा सड़ा खोती तो गुस्सा कर मारते पंजाबी कहते हैं, राइट, मैं जब स्टेज पे, मैं टेबल पे ही नहीं हूँ, और उसमें उस कैटेगरी में आपको प्रॉब्लम, एनीवे द पॉइंट इज दिस यार, जित जाओ तो जजिंग बहुत वधिया, हार जाओ तो कहते इन्होंने पता ही कुछ नहीं, तो भैं तुसीं आप आके बैठ के कर लो ना जजिंग, फिर घरे खेल लो, ठीक है, घर बैठ के खेल लो, ठीक है ना। तो अगर आपकी सर कंडीशनिंग दिन में चेंज होती है घंटों में, ठीक है, इन आवर्स, आप हफ्ता पुरानी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो यार, ये क्या बात है, ऐसे रोना थोड़ी, बच्चे मत बनो, थोड़ा बड़े हो,
नेक्स्ट टाइम ऐसी वन साइडेड फॉर्म लेके आओ आपको कोई डिनाई दीपक जीता था ना दीपक बिग फिट में ही वाज वन साइडेड ऐसे बन के आओ ना कोई शक ही नहीं है वो स्टेक उतरा यार लवप्री जैसे आपकी विन थी ना वो बंदा 18 लाख जीत के लेके गया बंदा 18 लाख सुपर भाई बंदा वो खड़ा स्टेज पे दीपक अत्री जो भी उसका नाम दीपक अत्री ठीक है बंदा स्टेज पे खड़ा है आपकी आंख ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है यही है ये बंदा करके क्या आया लेकिन मतलब कि ये क्या करके आया अब बोलोगे कीरत उसको बीट करता था कभी भी नहीं बीट करता था वो सर वो अपनी कैटेगरी में गोल्ड अगर यही बात है पंजाब वाली बात है तो पाजी उसको तो कीरत को तो गोल्ड दे नहीं रहे थे अपनी कैटेगरी में तो मैं कहता हूं नहीं पाजी इसका बनता है ठीक है ना बातें खुलती हैं तो सामने कर लो पाजी तुम पता है पाजी ये सब पीछे बोल सकते हैं अच्छा लवप्रीत अब आपने प्रो कार्ड विन कर लिया है और आने वाले टाइम में अब आपके खुद के क्या प्लान्स हैं मतलब नेक्स्ट आप किस शो को टारगेट कर रहे हैं या आप खुद को अब कैसे दुनिया के सामने लेके आने वाले हैं बिल्कुल जैसे भाजी मैंने पहले बोला था कि जो मुझे पहले कहा जा रहा था कि यू नीड एन ऑफ सीजन जी तो अब मुझे ऑफ सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छा क्योंकि मैं प्रो शो में 7 तो आ सकता हूँ लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकता इस साइज के साथ ठीक है मुझे इतना रियलिटी चेक है ठीक है ठीक है मेरी और हरी भाई की बात ये पहले हो चुकी थी कि अगर हम जीते तब भी हम साल डेढ़ साल का ऑफ सीजन लेके अगर हम नहीं जीते तब भी हम साल डेढ़ साल का ऑफ सीजन लेके आए इस बार लकीली मेरा शुरू से यही माना था मैं ऑफ सीजन क्यों नहीं ले रहा था मैंने ये बैक टू बैक थर्ड प्रेप मैंने क्यों की क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्रो कार्ड इसी साइज के साथ डोमिनेट कर सकता हूँ विन नहीं कर सकता डोमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेम है ठीक है टचवुड और वो चीज हुई और उसके बाद जो अभी हमारा नेक्स्ट गोल है हमें साइज की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे बैक में थिकनेस चाहिए मुझे शोल्डर्स में मास चाहिए हम चेस्ट पे काम कर रहे हैं और इसको अभी ऑन स्टेज हमें कम से कम नहीं तो 5 से 7 किलो हैवी आना है तो 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं कंप्लीट ऑफ सीजन मींस इंप्रूवमेंट्स ठीक है और इस टाइम में और आने वाले टाइम में आपके कोच को मैंने ये भी अभी क्लैरिफाई कर दो वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे वीडियो के बाद में 100% है लोग कहीं ना कहीं से इधर उधर से लूप और निकाल के आपको चेज करना फिर से शुरू कर देंगे तो उसका आंसर अभी दे दो देखो मेरा और हरी भाई का ना हम बहुत क्लियर ये चीजें चलते हैं लेके क्योंकि अगर तो ऐसा होता इस बार भी तो हरी भाई मुझे ये कभी नहीं कहते अगर हरी भाई ऐसे होते कि तूने नहीं किसी कोच के साथ काम करना तो वो मुझे कभी गगन के साथ भी काम ना करने देते ठीक बिल्कुल ठीक तभी कहते रोक देते कि मैं तेरे को बता तो रहा हूँ क्या जरूरत है इतने साल हो गए तेरे को वर्कआउट नहीं करना है यस ये भी बात हो सकती जी लेकिन अगर हमें इन फ्यूचर किसी के साथ एसोसिएट होना भी पड़ा तो अच्छा तो हमारी टीम जैसे भाजी ने बोला टीम लवप्रीत होगी और उसके साथ टीम बॉस उसको लीड कर रही होगी सुपर ठीक है जी और अगर हमारे साथ कोई हमें जरूरत पड़ती है तो देन ओनली अदरवाइज अभी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है टाइम की रिक्वायरमेंट होती है भाजी अगर कुछ कुछ लगा तो कर मतलब ये एक नए तरीके की एसोसिएशन जो है आप लोग इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं भाजी ये हमने बात करी रहे थे मैं और हरी भाजी शो के बाद की ये अभी वन मैन स्पोर्ट नहीं रहेगा ट्रू इसमें पूरा पूरा पूरी टीम है आपके साथ पूरी की पूरी आपका कोच एक है आपका प्रेप कोच एक है आपका पोजिंग कोच एक है आपका ट्रेनिंग कोच एक है आपका मेंटोर कोच एक है तो इतने बंदों की टीम और एफर्ट्स को लेके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है So, जहाँ पहले एक बंदे की रोटी थी लिखी हुई कोच की अभी 5 बंदे खाने वाले हैं वहां सो ये बढ़ रही है इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत अच्छी बात है और हमें ना इतना थोड़ा सा कोचेस को भी अपना जिगरा रखना चाहिए और अपना थोड़ा सा इसको ये जो सोच को बढ़ाओ थोड़ा सा कि अगर बढ़ने दो ना एथलीट को क्यों रोक रहे हो ठीक बात इसमें बड़ी सिंपल सी बात है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैं समझ सकता हूँ कि कोचेज इनसिक्योर फील करते हैं यार मेरा अच्छा एथलीट अगर एथलीट अच्छा है पोटेंशियल वाला है वो आपका छोड़ के जाता है तो वो आपको चुभती है ठीक है वो होती है ह्यूमन नेचर है दैट यू नो इवन बट देन अगेन यू हैव टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स ठीक है तो मैं अपने हर एथलीट को बोलता हूँ मैंने निखिल को भी कहा था मैंने कहा भाई अगर आपको कोई दूसरा बंदा समझ आता है तो उसके पास जवाब है नो प्रॉब्लम ठीक है हैव क्लियर कम्युनिकेशन बच्चे नहीं हो आप छोटे से साफ बात करो मेरे साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हैव क्लियर कम्युनिकेशन ठीक है
तो अगेन एज अ सेड कि यार उसके ड्रीम्स उसके गोल्स के लिए मैं स्वार्थी बनके उसको मैं गिल्टी फील कराऊं यार मैंने तेरे साथ इतना किया ये किया ठीक है भरा कीता तो हम रही गल पीछे हूं आगे तो रो खत्म हो गई गल है अभी सारी कुछ को तो रैंसम थोड़ी कर मैंने तेरी मदद की थी उस टाइम पे के था फिर आपने दूसरे दुनिया में फर्क किया देन यू लाइक एवरीबॉडी एल्स भाई एक ना यहां पे और चीज है कि हमारे इंडिया में ना ये भी बहुत कमी है कि ये कहते कोचेस की कमी नहीं है जब भी कोई स्टूडेंट अपना कोच छोड़ेगा ना हमेशा उसको बुरा कह के छोड़ेगा कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल मैं तो हैरी भाई से पहले मेरे साहिल ऊपर मैं भी कह रहा हूँ वो मेरे कोच थे चार साल 2014 to 2018 तक आने के पहले तक उनका भी मेरी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्होंने वो बेस सेट किया मेरा और मैं हैरी भाई तक आ सका ठीक है तो ये चीजों को कोई नहीं करता कोई नहीं अपने पुराने कोच को छुपा देते हैं गलत बोलते गालियां देते हैं भाई गालियां देते हैं मानते हैं तुझे पता नहीं है कुछ ये नहीं है वो नहीं है तो ये दोनों साइड में समझने की जरूरत है अगले ने जो कोच के साथ आपने काम किया है उसके पास ये बेस्ट पॉसिबल नॉलेज थी उन्होंने आपको दे दी अगर उसमें से कुछ छिपा के रखा है तब वो गलत है आप उनको थैंक यू बोलो और कोच भी कहे कि हाँ अच्छा काम हुआ अभी कोच के साथ रह रहे हो उठ रहे हो बैठ रहे हो वो बात ही अलग है यू नो आई कैन नेवर रिप्लेस समबडी अगर उसके साथ बैठे हो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड वाली बात होगी ना जो गर्लफ्रेंड आपके पास है जो लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड है उसका वो मुकाबला थोड़ी है ठीक है ना जो आपका हाथ बड़े गर्म कर देगी वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दे सकती है राइट तो एनीवे अब मैं ये भी मैं दावे मैं कह सकता हूँ अगर मैं कहना हो ठीक है उसने जब से उसने स्विच किया उसने कभी कोई बात नहीं की हाँ मैं इतनी से इतनी प्रोग्रेस मैंने की थी एंड आई डोंट एंड ही डजंट ओ मी मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि वो ही शुड कॉन्स्टेंटली एक्नॉलेजिंग लेकिन उसने तो एक बार भी नहीं बात की चलो दैट्स फाइन नो बिग डील ठीक है दो भी थे मैं तो बैक स्टेज मिला था मैंने मनोज को जाकर मैंने आई वेंट एंड एक्सटेंडेड माय हैंड टू हिम कि मैं आई टोल्ड हिम यार आप मिस करते हो मनोज को मतलब अभी मिस ने मिस मुस नहीं कहता मेरी कड़ी मिशू हो गया मिस ने मैं करता किसी को आइए मिस मुस वाला काम नहीं जट का जगरा आप आई प्रैक्टिस डिटैचमेंट अच्छा ऑनेस्टली थोड़ी हाई लेवल स्पिरिचुअल बातें भी बैठ के वो भी करेंगे कि मतलब कि व्हाट एक्चुअली मेक्स मी एज अ पर्सन आई प्रैक्टिस डिटैचमेंट मुझे नहीं जो बंदा गया ना खत्म है बात खत्म हो गया चैप्टर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कोई मिसमूस नहीं है बट द पॉइंट इज दिस टू आंसर दैट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वही बात जो मतलब कि उसने जितने मेरे साथ था स्टैग्नेंट तो रहा ना प्रोग्रेस की ना उसने कहां जहां से शुरू करा और कहां उसको लेके गया मैं मजाक तो है नहीं है ठीक है अभी क्या है कि अभी वो बंदा हर रोज दिन रात वो एफर्ट डाल रहा है बीइंग कंसिस्टेंट दिस इज अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी अगर आप इमेजिन करो कि वो ओवरसीज कोच के पास चला जाता तो हमारे ओवरसीज को पता नहीं ओवरसीज कोच ने पता नहीं क्या कर दिया इंडियन के साथ ही कोचिंग ले रहा है ठीक है ना ये तो है नहीं है कि मतलब कि इकबाल ने कोई जादू कर दिया ठीक है ना जादू सिर्फ ये है कि ही बिकेम कंसिस्टेंट यस देयर आर ऑलवेज फ्यू थिंग्स उसने जरूर उन्होंने कुछ चेंजेस की होंगी कंसल्टेटिव के यार ऐसे नहीं यार ऐसे करते हैं यार भाई ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं यार मैं बच्चा थोड़ी हूँ यार मैं पहले बजे इकबाल भी मेरी वर्कशॉप अटेंड करके गया था चाहे वो बोले मुझे सीखा है नहीं सीखा व्हाट एवर इट इज दैट इज डिफरेंट स्टोरी ठीक है चाहे वो मजाक ही उड़ा के गया व्हाट एवर इट इज ऐसा कुछ नहीं है बट ये तो है नहीं कि हमें भी कोचिंग नहीं आती हम भी तो जता ही रहे हैं एथलीट तो नए थोड़ी बैठे हैं राइट सो द पॉइंट इज दिस क्या होता क्या है कि जैसे मैं बताया कंसल्टेटिव कोचिंग अब जैसे मनोज और इकबाल आपस में काम कर रहे हैं आइडियाज बाउंसिंग आइडियाज एक ने एक चीज के दूसरे ने दूसरी चीज के नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे करते भाई This is more Manoj ki jo results hain. This is more result of consistency than some extraordinary coaching. Okay. Aisa kuch nahi hai. Okay. Coaching is excellent, but jo uske results hain, these are results of extraordinary commitment. Ke har roz I am going to show up every day, aur har roz maine effort dal diya, aur main apni koi meal nahi miss karni hai. Agar hum bole na ke coaching mein koi jadoo usne karke kar diya, aisa nahi hai. ठीक है ना? Coaching is good. Is probably very good. मैं deny नहीं करता, ठीक है? But ये सोचना कि coaching ने ही सारा कर दिया, no, you grossly mistaken, ठीक है ना? वो effort तो ये अगर coach तो फिर हम बोले कि मैं हनी रैम्पोर्ट से better हो गया, ठीक है? No, coaching is very little. It's about कि day to day बंदा क्या कर रहा है, right? So it's that's what it is. और कुछ नहीं है. And I think
मार्क ऑफ अ पर्सन इज के एज लवप्रीत सेड, दो तीन चीजें होती है एथलीट की तरफ से, बी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट। मैं समझ देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ एथलीट टू कंफ्यूज अब मैं यार मैं जब समझ यार ये बंदा दस लोगों से पूछता है ठीक है, एंड एज अ कोच आपकी भी होती है थोड़ा बड़ा दिल करके चलो यार yes, कोई yes. जाता आपके एथलीट जान लो यार yes. दुनिया जिसकी जितनी लिखी है अपनी लाइफ उतनी लिखी है यार। अच्छा हरिपा जी, एक आपकी जो चैंपियनशिप हुआ करती थी बॉस क्लासिक, अब वो दोबारा हमें कब देखने को मिलेगा? सर अगले साल लेके आएंगे हम, जून जुलाई के बाद। ओके, तो किस चीज की इंतजार हो रही है? सर पर्सनल मैटर्स इतनी ज्यादा इस टाइम पे, मतलब कि हमने देखो अभी हमने सप्लीमेंट का ब्रांड लॉन्च किया है, वो हमने उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजना शुरू करना भी जल्दी से, फिर इक्विपमेंट का भी है, फिर अभी तो ये सीजन तो खत्म हो गया, अगला सीजन जून जुलाई में शुरू होना, उससे पहले फिर जून जुलाई की बात करेंगे सर। थोड़ा सा बुल स्ट्रेंथ और जगरनॉट के बारे में भी थोड़ा सा सर। बुल स्ट्रेंथ सर हमारा इक्विपमेंट का वेंचर है, एंड जगरनॉट जो सर हमारा सप्लीमेंट का वेंचर है। सो ये हमारे दो दो मेन चीजें हैं अभी, तो बाकी अकेडमी के तो लगीन हुए हैं, और बाकी लवप्रीत से पूछो आपने जो पूछना है। आई थिंक एक दो चीजें जो कवर कर सकते हैं, जो मतलब के लोग हमेशा पूछना चाहते हैं कि मतलब कि आपने पीक वीक में क्या किया था, आपने क्या खाते थे, या मतलब के क्या खर्चा है, वो चीजें भी हम कवर कर लेते हैं। मोहम्मद बाद में तो बैठ के मैं पूछता भी लूंगा, आप भी पूछ लो इससे, जैसे हरी भाई ने भी ये पहले बात बोलते थे मुझे, पीक वीक इज लाइक लैंडिंग अ जेट जी, ठीक है, जंबो जेट, आपको उसको लैंड करवाना है, सवारियों से भरा हुआ है और आप पे रिस्क है सारी की सारी इतनी जान होगा शाने पर तरी करनी। हाँ वैसे का वैसे, तो इस जो पीक वीक होता ना, इसमें कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बॉडी को संभाल के रखना होता है, क्योंकि इसमें ऐसे चेंजेस आते हैं ना इतने ना, एक एक घंटे में वो चेंजेस आपकी बॉडी कई बार दिखा देती है कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा। चीजों को तो उसको सबसे पहले तो आप 3 weeks आउट एट लीस्ट, इफ आई नॉट 2 weeks आउट आप रेडी होने चाहिए शो से पहले। आप अगर आपका शो 30th को है तो आप 15th तक रेडी होने चाहिए। अच्छा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आप ग्रेजुअली फूड को इंक्रीज कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपकी कंडीशनिंग आपने हिट कर ली है ऑलरेडी 2 वीक पहले जी, तो आपके पास उतना टाइम है कि आप अपनी बॉडी को तब ज्यादा सफर नहीं करवाना, तब कार्डियो कम होने लग पड़ता है और फूड थोड़ा थोड़ा बनने लग पड़ता है। अगर आपकी ये इंजॉय करने वाला फेज होता है। अच्छा। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी प्रेप बहुत लंबी कंसिस्टेंट आप हो आप डाइट पे। उसके बाद जब आता है पीक वीक, तो पीक वीक में भी बहुत फिर कम चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2 वीक पहले से ही अपनी कैलोरीज कैलो थोड़ी सी बढ़ानी शुरू कर दी, तब हम पहले से ही अभी इसमें कई चीजों को वो प्रॉब्लम रहते हैं, कईयों को पता नहीं चलता कि डिप्लीशन, कार्ब लोडिंग एंड कार्ब डिप्लीशन। अगर आपको ये चीज जाननी है पहले तो ये चीज को देखो कि आपकी बॉडी आप लीन इनफ हो, अगर आप लीन इनफ हो आप तो बहुत टाइम से डिप्लीटेड चल रहे हो। अगर आप नहीं हो और आपको लगता है कि मैं और पुश कर सकता हूं, देन आप 1, 2, 3, 4 जितने भी दिन आप डिप्लीट रहना चाहो आप डिप्लीट हो जाओ, उसके बाद फुल होने में भी टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी ऐसी थी, मेरी बॉडी ऐसी थी कि जिसमें ना ये कार्ब्स को पाजी ऐसे खाती है ना कि हमने 1500-1500 ग्राम कार्ब्स एक दिन के खाए हुए हैं। अच्छा। सॉरी 3 दिन के जो कार्ब, सॉरी 2 दिन के कार्ब लोडिंग फेज में हमने पहले ये ट्रायल हमने वो टेस्टेड करके देख लिया था। अच्छा। ये चीज हमें ये अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हमने फ्रंट लोडिंग शुरू की। इस बार मैं जब यहाँ से ट्रेवल किया हूँ, मैंने संडे को मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ टू मुंबई, तो मेरा उस दिन 2 किलो वेट लूज हुआ ट्रैवल में। तो मैंने अगले दिन भाई को बोला कि भाजी हमें कार्ब्स ना थोड़े से ज्यादा बढ़ाने होंगे, भाई वही ना ये मेरी जिम्मेवारी थी, मैं भाजी को बताऊं कि मुझे क्या फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आगे लोग कह रहे हैं कि तेरे पास मसल मास नहीं है, मुझे उस चीज को बचाना है, क्योंकि इतना फिल आउट नहीं कर सकते, इतना फिल आउट करने के चक्कर में आप स्पिल हो जाओ, ठीक है, आप वाटर आपके आ जाए, तो वो चीज को दिक्कत है। तो हमने फिर पहले दिन हमारे जब डिप्लीशन का जो पीक वीक का नॉर्मली मेरे 75 ग्राम कार्ब्स चल रहे थे पीक वीक से पहले, 75-100 ग्राम कार्ब्स, जब पीक वीक में हम एंटर हुए हैं हमने 100 ग्राम पे डिप्लीशन शुरू किया, उसके बाद हमने 50 ग्राम कार्ब्स कट किए, 50 ग्राम पे आए 2 किलो वेट ड्रॉप हो गया, नेक्स्ट डे हम 200 ग्राम कार्ब्स पे आ गए, 4 times ज्यादा हमने कार्ब्स कट, ठीक है।
उसके बाद हमने नोटिस किया तो वो बॉडी 200 ग्राम कार्ब्स भी ऐसे खा रही थी कि मतलब मैंने कार्ब्स का मील लिया, मैंने पोज किया, बॉडी में ग्लाइकोजन फिल हुआ, साथ में फ्लैट, इस तरीके के साथ मेरी बॉडी वो कार्ब्स को कंज्यूम कर रही थी। उसके बाद हमने और कार्ब्स एंड थोड़े से फैट्स बढ़ाए प्रोटीन मॉडरेट रख के, तब बॉडी ने 3 दिन 72 आवर्स के बाद बॉडी कार्ब लोड कार्ब्स लेनी लेना शुरू किया बॉडी ने। ये बहुत एक सोचने वाली चीज है कि आपको उन्हें लोड दे दी, कब कितने कार्ब्स देने, कब कितने कार्ब्स नहीं, या बॉडी मत खराब हो अपनी। सो ये सारी चीजें करते 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 हमने लास्ट तक आ गए पाजी फुली कार्ब लोड। और मैंने कार्ब लोड भी इस बार ऐसे किए हैं कि जैसे मैं डाइट पे हूं, कोई हमने जंक नहीं किया इसमें। लास्ट में जो एक चीट मिलता है वो हमने जरूर किया क्योंकि वो रिक्वायर्ड था, अगर वो भी रिक्वायर्ड ना होता तो हम वो भी हम नहीं करते, तो हमने वो किया। और इस चीज के बारे में अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हो तो अभी मैं ये ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जिहड़े जलंधर तो देख रहे ने या पंजाब तो देख रहे ने, साड़ी वर्कशॉप होण जा रही है, स्पेशली कॉन्टेस्ट प्रेप वर्कशॉप आ जिहदे विच तुहानूं पीक वीक्स नाल रिलेटेड और जिन्ने भी साडे प्रोटोकॉल हुंदे ने प्रेप ड्यूरिंग प्रेप सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन साइकल बीसीटी ब्लड टेस्ट एवरीथिंग ते भाजी क्लासेस ले रहे ने। सो 25th of December को हम जलंधर में वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं, उससे पहले हमारी चंडीगढ़ एक वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, उसमें आप जो एक्सरसाइज के बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो। तो ये चीजें मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि कुछ करने से पहले ना उसके बारे में सीख लो ठीक है। अगर आपके पास ये अच्छा एक मौका है सीखने का फ्रॉम द बेस्ट, तो आप उस मौके को ग्रैब करो और सीखो। पहले चीजें मुझे सीखी होगी ना रिवाइज करके, मुझे वो अच्छे से आएंगी, ठीक है। अभी मैं अभी जो भी ये न्यूकमर्स हैं जो करना चाहते हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो न्यू कोचेज हैं, पुराने कोचेज भी हैं जिनको अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, वो इन वर्कशॉप्स में आओ। क्या करंटली चल रहा है, मैं भी वहीं पे होऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा भी एक अलग से लेक्चर होगा छोटा सा जो मैं एक एथलीट की प्रोस्पेक्टिव से मैं बताऊंगा चीजें कि आपको कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं करनी है। हम उसमें एक पोजिंग वर्कशॉप भी रखेंगे साथ में, और उसमें दो पॉइंट है जो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने मतलब कि आई स्ट्रांगली बिलीव के जो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड इवन कमिंग फिफ्थ, यू नो। तो अब वो एंड लवप्रीत से बेटर आपको कोई नहीं सिखा सकता, लाइक यू नो ही कैन शेयर विद यू कि मतलब कि एक्चुअली पोजिंग के सीक्रेट क्या है कि कैसे शो जीते जाते हैं, कैसे फिजिक को प्रेजेंट करना है। इट्स नॉट ईजी, बंदों को लगता है कि एंड आई थिंक अभी मैं ये भी मैं इतना भी मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 2-3 प्लेसिंग लवप्रीत की किसी भी शो में जिसमें इसकी टॉप 5 नहीं आई ना, अगर हम पोजिंग सही कर लेते ना, टैन सही कर लेते, टैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मतलब कि टैन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इतने बंदों ने कहा यार लवप्रीत तेरा टैन कैसे यार इतना बढ़िया टैन, क्या क्या किया। सो ये जो चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं, आप 6 महीने तैयारी करते हो यार, 3-4 लाख लगाते हो, बाद में आप जाके अपनी फिजिक ही नहीं प्रेजेंट कर पाए तो आपका फायदा क्या? कई बार फॉर्म भी होती है, मैंने देखे लड़के वहां पे बैक स्टेज भी देख रहा हूँ यार, बंदे की इतनी अच्छी फॉर्म है, इसको ना पोजिंग आ रही है, पेन इसके टैंक खराब है, वही फर्क है टॉप फर्स्ट कॉल आउट और 15वें में आने में। अब बंदे सोते भी नहीं, पर कंडीशनिंग की सिर्फ मतलब फॉर्म है, इतनी अच्छी फॉर्म थी, देखो भाई साहब आपकी फॉर्म, ये जजिंग वाली बात आई थी फिर जी। बंदे कहते हैं कि हाँ मेरी इतनी अच्छी फॉर्म थी, देखो डालने लगेंगे फोटो में, भाई साहब आपको पोज तो सर ये भी नहीं आती, दिखाई नहीं पा रहे हो फिजिक को, क्या करें। ये जो वर्कशॉप होने जा रही है इसकी क्या फी रहेगी और किस लोकेशन, इसके बारे में डिटेल्स कहां से मिल सकती है? देखो सर, देखो ये हमारी जो वर्कशॉप होती है कॉन्टेस्ट ट्रिप की, हमारी 15-20 हज़ार रुपए की जाती है, ठीक है। लेकिन जब अर्ली बर्ड होता है, यहाँ जो पहले 20-30 सीटें होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हर बंदा इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट 6-7 हज़ार का है तो आप ये 6-7 हज़ार में आप बुक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये उन्हीं के लिए मौका होता है कि अर्ली बर्ड है कि भाई अगर आप सीरियस अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप उसका मौका उठाओ, जो पहली 20-30 सीटें हैं उसमें आप बुक कर लो, ठीक है। बुकिंग ये नहीं कि आपको 7-8 हज़ार आपने 6-7 हज़ार 1 हज़ार एक बार भी देना, 2-3 हज़ार तक बुक कर सकते हो, बाकी आप जब आते हो आप ऑन द स्पॉट पे कर सकते हो। बाकी नॉर्मली ये वर्कशॉप्स की प्राइसेस, अब जब हम दुबई गए थे तो हमने यही वर्कशॉप हमने
कॉन्टेस्ट की हमारी 45,000 की थी दुबई में, वही सेम नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी, सेम नॉलेज आपको यहाँ पर 6,000 में मिल रही है। आप देखो ना, आप इमेजिन करो कि मतलब कि मैंने कई 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 कंसल्टेशन के लिए एक एक घंटे का मैंने 50,000 पे किया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ और हम भगवान के जैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो सर मैंने अपनी एजुकेशन में तो 70 लाख रुपए लगा चुका हूँ, 70-80 लाख, ठीक है ना। एंड ये चीज नहीं ये सोचते कि आप सर अगर मैंने 80 लाख लगाया ना तो उसमें से शायद मैंने 30-40 लाख वेस्ट ही किया है, ठीक है, लेकिन वो बाकी 30 लाख मेरे इतना काम आ रहा है। आज बैठ के हम एक मैं आपको छोटी मैं कि ये घुमंड करने वाली बात नहीं है, काफी सर जस्ट टू सर्व गिव यू एन अ पर्सपेक्टिव के हमने एक वर्कशॉप की बैंगलोर में, ठीक है, हमारी एक वर्कशॉप की एक दिन की हमारी टेकनी 27 लाख थी, 27 लाख ऑफ वन डेज वर्थ ऑफ वर्कशॉप। एंड लो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जितने हमारे जो ट्रेनर्स हैं कुछ भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से सीखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं जरूर कहूंगा कि आप अपनी एथलीट भी हो उनके लिए भी कोच को फॉलो करना, उनके ऊपर विश्वास करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा अपने कोच को मत फॉलो, लेकिन देर आर सर्टन रेड फ्लैग्स के जैसे मेरे पास बंदे आते हैं वो बोले सर मेरे कोच ने 4 हफ्ते पहले से सॉल्ट कट किया हुआ, ठीक है, मेरे साथ मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा एथलीट है विवेक, ठीक है, उसको हमेशा क्रैम्पिंग होती थी बैक स्टेज, मैं तू ऐसे कर, मैं अपने एथलीट मैं तू उस मुझे उसको मैं कहा तू ORS के पैकेट ले, उसको मैंने सारी लोडिंग उसकी ORS से कराई, अच्छा। उसको एक भी कर, और उस बंदे को 10 साल हो गए खेलते हुए, सीनियर प्लेयर है, तो कई बार क्या होता है कि मैंने मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आई एम ओपन माइंडेड, मुझे कोई अच्छा कोच मिलता है उसको पैसे देके सीखना पड़ता तो सीखते हैं यार, लगाते हैं पैसा, एक एक घंटे का 50,000 दिया, लेकिन उसका रिटर्न भी आता है, फिर बंदे जीतते भी हैं, बंदे सेफ भी रहते हैं, उनकी हेल्थ भी बचती है, ठीक है, आपको यही नहीं पता, टेस्ट रिपोर्ट्स हम शेयर करते रहते हैं, मैंने भी अभी किया था एक रिसेंटली कि अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, आपके कोच को तो है ही, आपको कितनी नॉलेज है, खुद को भी होनी चाहिए, आप सेफ साइड रह के जा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात है, इतने बंदों के मैसेज आते हैं ना, बंदा बड़ा इंटरेस्टेड होता है, कुछ बंदे बेचारे उनसे झूठ नहीं वैसे ही बोल देता बंदा, अगर तो जो मेरे कोच ने मना कर दिया, मैं कहा यार तुम्हारे कोच की फटती है, सीधी बात है, उसको लगता है ये हैरिसन डी वर्कशॉप में जाएगा या अगर 50 साल मेरे से पूछेगा तो जो उसको आता उसको कुछ नहीं आता, ठीक है भाई आप ही सब कुछ आता है, तभी आपके एथलीट क्रैम्पिंग करते हैं, बैकस्टेज में मर रहे होते हैं, गिरे होते हैं, मेरे पास आते हैं, ये हो गया वो हो गया, रिपोर्टें GFR आपके 40 के साथ लगी हुई है। भाजी मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट, ये मैं बता देता हूँ, सोनी सिद्धू जी 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 उसका इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं, उनके कोच थे तो उन्होंने अतिंदर भाजी थे उनके कोच, उनके कोच तो संपत है नहीं उससे पहले, अच्छा। से इन बिटवीन कभी कोई शो में, ओके, तो उन्होंने उन्हें कुछ दे दिया, कोई डायरेटिक दे दिए, साथ में लैक्सेटिव दे दिए हैवी डोजेस, वो सारी रात डायरिया उसको और क्रैम्पिंग के साथ बुरी हालत, और अगले दिन आया मुंह उतरा हुआ है और मेरे साथ हम बैक स्टेज बैठे हुए हैं, तो कहता कि मैंने क्या हुआ, कहता मैं 1.5 घंटा वर्कआउट करके आऊँ और मुझे कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्शन पंप फील नहीं हो रहा, कहता मुझे कुछ करवा दो कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ मैं प्रेजेंटेबल हूँ एटलीस्ट। मैंने कहा तू रिलैक्स कर सबसे पहले, फिर वही बात ORS वाली, उनको ये चीजें मैंने सीखी हैं तो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी की हेल्प तभी कर पाऊंगा अगर मुझे कुछ आता होगा, यस। और तो मैंने उसको ग्लूकोज के साथ पानी भी दिया, नमक भी दिया और ग्लूकोज भी दिया, कोई उसके वो वाटर वूटर नहीं है, ठीक है, और उसका बहुत अच्छे से जो है उसने पंप होल्ड किया, उसकी प्लेसिंग नहीं आई, ये नहीं है, ये कौन सी चैंपियनशिप की बात हो रही है, हो रही है, किसी चैंपियनशिप की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बार भी ये हुआ बैक स्टेज, भाजी रवनीत को क्रैम्पिंग आ रही थी, तो मैंने रवनीत को कहा कि तू टेक सम सोडियम, तो उसने सोडियम लिया, सोडियम लेने के बाद वो आया दोबारा और उसकी कॉन्ट्रैक्शन बेटर थी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, बढ़िया लाइफ सेविंग हो सकती है, लाइफ सेविंग, एक्जेक्टली, मोर देन दैट, मोर देन विनिंग, लाइफ सेविंग, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू पुट इट, सो ठीक है। So guys, ये है हमारी आज की कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर आपको आज बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला है, और आने वाले शोज और वर्कशॉप्स के बारे में भी हमारे हैरी बाजी ने और हमारे प्रो लवप्रीत ने आपको बताया कहाँ कहाँ पर होने वाला है और क्या उसकी फी रहेगी, वो भी हैरी बाजी ने बताया। सो अब है आपके पास में मौका इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का। इसके अलावा अगर आपके पास में अपने खुद के कोई पर्सनल क्वेश्चन हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, उनको ग्लैडली हैरी बाजी और लवप्रीत दोनों के दोनों आंसर भी करेंगे।
Thank you so much. Thank you, buddy. Thank you. Thank you so much. Thank you, buddy. This was lovely talking, and thank you to our audience. Thank you, everyone.